दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दो तीन चार पेज देना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, आप जो देख रहे हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर, जहाँ अनअकैडमी पर आप जाके मुझे मेरे प्रोफाइल को फॉलो करना है, जिससे मेरे आपको सभी क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। बाकी आगाज़ आज चालू हो चुका है, उम्मीद कर रहा हूँ कल सब यूट्यूब पर साथ में रहेंगे हमारे यहाँ पर, और कल सुबह 9 बजे अपनी एडिटोरियल और शाम में 10 बजे मंडे टू फ्राइडे वीकेंड पर ऐप पर मिलते हैं आपके साथ। मंडे टू फ्राइडे मुलाकात होती है आपके साथ मेरी करंट अफेयर्स में, और एडिटोरियल होती है ऐप के ऊपर दोस्तों। बाकी आप जानते हैं टेस्ट सीरीज लॉन्च की है अनअकैडमी ने दोस्तों, आपके लिए 80 टेस्ट पार्ट हैं आपके सब्सक्रिप्शन का समय दोस्तों, ये पार्ट है आपके सब्सक्रिप्शन का जो कि चल रहा है महा सब्सक्रिप्शन आपके लिए, महा सब्सक्रिप्शन जिसमें दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं अकेडमी को इस समय, तो ना केवल अभी बल्कि पूरे 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर यानी अगले साल मेंस तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। साथ ही साथ डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर आपके लिए, जहाँ डिस्काउंट में कॉम्बो ऑफर यानी GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर कितना है सर, 51,000 फॉर 1 ईयर एंड 68,000 फॉर आइकॉनिक GS एंड ऑप्शनल का फॉर 1 ईयर कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये। इसके अलावा सारे ऑफर रहेंगे, इसमें आपका बुक्स का ऑफर भी रहेगा दोस्तों, इसमें आपका बुक्स का ऑफर भी है, साथ ही साथ इसमें आपके लोन का ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बाकी दोस्तों मैंने एक जो बच्चे लेने में इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को और कुछ क्वेरी उनके मन में है, तो उसके लिए एक वेबिनार का आयोजन कर रहा हूं दोस्तों मैं। वेबिनार रहेगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप करना क्या होगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको एक गूगल फॉर्म दे दिया है, उसमें मैं नाम फ़ोन नंबर और मेल आईडी भर के भेजना होगा, जिससे आपको आपके मेल पर एक लिंक मिल जाएगा जब वेबिनार होगा उसके एक दिन पहले जानकारी, शायद 22 तारीख को होगा वेबिनार आपका, ट्यूजडे को करूँगा मैं, और उस वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, सब जुड़ सकें और अपनी क्वेरीज़ को जो भी क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग उस कोर्स संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए गूगल फॉर्म आपको जो क्लिक के दिया गया है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा दोस्तों वहाँ से। इसके अलावा जुड़ सकते हैं हमारे आप कॉम्बैक्ट ऑफर से भी, और जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक के ऑफर्स। चलिए दोस्तों, ये तो चर्चा हुई आपके साथ ऑफर्स की, बताता रहूँगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ये है, यहाँ पर जाके आपको वो लिंक प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम लोग आज के सेशन में क्या है सर, पहली खबर से स्टार्ट करेंगे। सब रेडी हैं हमारे साथ, सब रेडी हैं, तैयार हैं सब लोग दोस्तों। आज पूरा आधे घंटा मेरे को लेट हो गया ऑलरेडी काफ़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन अपना यहाँ का आज का। ओके, पहली खबर है दोस्तों अर्थव्यवस्था से हमारे पास, इकोनॉमी से खबर है हमारे पास दोस्तों। खबर क्या है आराम से देखेंगे। सेबी ने क्या किया है सर, सेबी ने ऐसी कंपनियां जो पहली बार शेयर बाज़ार में आना चाहती हैं, अपनी भाषा में कहते हैं पब्लिक ऑफर जारी करना चाहती हैं, अपना IPO जारी करना चाहती हैं, उन कंपनियों के लिए कुछ नियम में ढील दी है, कुछ रिलैक्सेशन किया है, विशेषकर उन कंपनियों के लिए जिनका आकार बड़ा है। जी हाँ, तो बड़ी कंपनियां अगर रजिस्टर्ड होना चाहती हैं सेबी के शेयर बाज़ार में इंडेक्स में, तो उसके लिए सेबी ने कुछ शर्तें आसान कर दी हैं, रिलैक्सेशन इजी कर दिया है फॉर इशूइंग IPO दोस्तों। आराम सुनेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है सर, सेबी इसके अंदर आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है मिनिमम पब्लिक ऑफर नॉर्म्स। जी हाँ, यदि आप अपना एक सार्वजनिक निर्गम, एक IPO, अपने शेयर पहली बार शेयर बाज़ार में जारी करना चाहते हैं, विशेषकर आप बड़ी कंपनी हैं अगर, तो आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा। विशेषकर ये क्यों किया गया है, जैसा आप जानते हैं कुछ दिनों में LIC शेयर बाज़ार में आने वाली है, और LIC बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर वो शेयर बाज़ार के नियमों के अकॉर्डिंग अपना IPO जारी करेगी तो बहुत ज़्यादा पैसा उसको मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा बेचा जाए LIC को, 2-4% शेयर, 5% शेयर बेचने काफ़ी रहेगा। तो LIC को सरकार चाहती है लिमिटेड रूप से इसके शेयर जारी किए जाएँ, ना कि बहुत बड़े स्केल में शेयर जारी किए जाएँ। तो यहाँ पर सरकार LIC का IPO ला रही है, और इस कारण सरकार ने नियम में परिवर्तन कर दिया है IPO लाने के। आपको 2-4 बातें क्लियर होनी चाहिए। IPO क्या होता है मालूम होना चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है दोस्तों। जब कोई कंपनी शेयर बाज़ार में पहली बार अपना शेयर जारी करती है, सार्वजनिक निर्गम इसको कहते हैं, इश्यू पब्लिक ऑफर या सार्वजनिक निर्गम जारी करना, इशूइंग पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो जारी करेगी। यहाँ पर नियम कहता है कोई भी कंपनी शेयर बाज़ार में आती है तो उसे कम से कम इतना परसेंट शेयर, अपनी कंपनी का इतना परसेंट शेयर जारी करना होता है। लेकिन अगर LIC की बात करें, लगभग आप समझ सकते हैं 37-38 लाख करोड़ की कंपनी है वो, और उसने अगर 10% शेयर जारी कर दिए अपने, तो मार्केट से लगभग उठा लेगी कितना पैसा, उठा लेगी मार्केट से वो 3.7 लाख या लगभग 2-3 लाख करोड़ उठा लेगी मार्केट से। तो सरकार नहीं चाहती कि मार्केट से इतना पैसा उठाया जाए, तो बेहतर है 5% ही करें हम लोग, क्यों 10% करें। तो कम नियम के मुताबिक 10% करना पड़ेगा, तो सरकार ने नियम में छूट दे दी कि यदि बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी जिसके IPO का आकार 1 लाख करोड़ से ऊपर का होने वाला है, तो वो 5% शेयर ही अपने जारी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक
बेटा टेस्ट का मुझे मालूम नहीं, अभी पूरी क्लास में करूँगा, जितना पढ़ के आया उतना पढ़ाऊँगा आपको, ये पूरा हो गया तो मैं टेस्ट ले लूँगा। टेस्ट का मैं कोई गारंटी नहीं हूँ, टेस्ट में बस तैयार है, लेकिन मैं कब लूँगा मैं नहीं जानता। पहले मैं पूरा टॉपिक ख़त्म करूँगा अपनी स्लाइड के, अब इस पर प्रश्न मत पूछना, ठीक है? चलो आराम समझेगा दोस्तों। तो इन दिस बात करें, यहाँ पर सरकार LIC का IPO लाने वाली है और सरकार ने क्लियर कर दिया है, क्या कहा है सुन लीजिए, यहाँ पर क्या कहा है, नियम क्या कहता है, नियम कहता है समझिएगा, यदि कंपनी का वैल्यूएशन 1,00,000 करोड़ से ऊपर का है, 1,00,000 करोड़ से अधिक की कंपनी है वो, तो ऐसे में अपना 5% शेयर ही बेची, कितने का बिकेगा, करीब 5,000 करोड़ का बिकेगा उसका शेयर, तो उसके लिए नियम आसान कर दिए, यानी 5% भी आप बेच सकते हो, आपको मना नहीं किया जाएगा, यानी LIC चाहे तो अपने 5% शेयर ही बेच सकती है, बाकी अगर छोटी कंपनी है तो एटलीस्ट 10% वाला होता है, और सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यानी आपका आकार 1,00,000 करोड़ से ऊपर का है, कंपनी डिवाइड कर दो कैटेगरी बढ़ती हैं सर कंपनियाँ, यहाँ पर एक है छोटी कंपनी, एक बड़ी कंपनी, और बड़ी कंपनी आकार 1,00,000 करोड़ से ऊपर का है तो कंपनी अपना 5% शेयर ही जारी कर सकती है, इसको रोका नहीं जाएगा। तो बस सिंपल सी बात वन लाइन में, LIC को आसानी की गई है, और अब बड़ी कंपनियाँ लार्जर फर्म्स यदि शेयर बाज़ार में लिस्टेड होना चाहती हैं तो प्रारंभिक ऑफर 5% का भी वो ला सकती हैं। अभी होता क्या है ना, कंपनी तो छोटी रजिस्टर्ड होती है, उसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री जब शेयर बाज़ार में आई थी तो बहुत छोटा सा शेयर था, 30-40 रुपये का, आज है 2,000 रुपये का शेयर इसका, तो ऐसे में कंपनी बड़ी बाद में होती है। तो यहाँ का बड़ी कंपनी आई तो कितनी बड़ी हो जाएगी सोच सकते हैं हम लोग। तो सरकार ने कहा यदि बड़ी कंपनी, इसका 1,00,000 करोड़ का अगर वैल्यूएशन है मार्केट में ऑलरेडी, तो 5% शेयर भी वो जारी कर सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को दोस्तों? तो SEBI के नए नियम लागू हो गए हैं, यानी सरकार LIC तरफ आगे बढ़ गई है। LIC के कुछ शेयर वो 5%, 7, 8, 10% कितने होंगे, लेकिन अब LIC चाहे तो 5% जारी करके भी अपना IPO जारी कर सकती है। जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट IPO अब तक जो सरकारी कंपनियों को आया है वो आया था कोल इंडिया लिमिटेड का, से कुछ साल पहले 15,000 करोड़ का IPO था दोस्तों वो, जहां इस टाइम 10% शेयर बेचे थे, तो बड़ी कंपनी थी अपने आप में, 1,00,000 करोड़ से ऊपर कंपनी थी वो भी, तो 10% शेयर बेचे थे उसने अपने LIC ने, वो माफ़ कीजिएगा कोल इंडिया लिमिटेड ने, 15,000 करोड़ मिले थे सरकार को। तो ये तो बड़ी और बड़ी कंपनी है, तो LIC तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो 5% शेयर ही बेचती है तो बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए सरकार ने इसमें छूट दे दी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं इस खबर से, PT में काम आ सकती है दोस्तों। LIC का विनिवेश या LIC में डिसइन्वेस्टमेंट एक बड़ी खबर है, विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा, पैसे की दरकार भी है, बहुत कुछ है इस खबर के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्त, ट्रेडिंग पे वीडियो लाऊंगा दोस्तों, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। पहले हम करंट अफेयर्स की बात करें, थोड़ा सीरियस नोट पे आ जाइए, काफ़ी खबरें हैं बात करने के लिए। एक बैंक का नाम सुना होगा दोस्तों ने, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMC नाम सुना होगा इसका आपने, लोग रो रहे थे इसका नाम ले लेके लास्ट ईयर, निर्मला जी को घेराबंदी कर रहे थे कि बचाइए हमारे पैसे, जमाएं, हमको निकालने नहीं दिया जा रहा। ये बैंक दिवालिया नहीं हुआ है, इस बैंक में लोगों ने पैसे जमा किए होंगे अपने, छोटी मोटी सेविंग जमा की, ठीक है, उसके बाद इसने किसी को लोन दिया, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, ये बैंक डूब गया, पैसा नहीं लौटा पा रहा लोगों का, RBI ने इसको अपनी निगरानी में ले लिया, बंद नहीं किया, दिवालिया नहीं किया, RBI ने अपनी निगरानी में ले लिया, पिछले बार 1.5 साल से बैंक RBI की निगरानी में है। ठीक है सर, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया शुरुआत हुई है, काम की बात है जान लीजिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर है वो समझिएगा, समझते हैं आपके साथ। हुआ क्या है, एक बैंक बनेगा, पहले एक नया बैंक बनाया जाएगा जिसमें दो कंपनियाँ इन्वॉल्व होंगी, सेंट्रम और भारत पे, ये दो संस्था इन्वॉल्व होकर बनाएंगी सर एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों कंपनियां मर्ज तो नहीं कहेंगे, 50% मालिक ये होगी, 50% मालिक ये होगी, दोनों मिलकर एक नई एंटिटी बनाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे दोनों मिलकर, एक छोटा वित्तीय बैंक बनाएंगे, और ये बैंक टेक ओवर कर लेगा, अधिग्रहण कर लेगा PMC का कुछ महीनों बाद। बात समझ में आई आपको, यानी अभी सेंट्रम कंपनी अलग काम कर रही है, भारत पे अलग काम कर रहा है, ये अपने अपने बिजनेस काम करते हैं, कोई समस्या नहीं है इनको, ये दोनों मिलकर एक बैंक बनाना चाहते हैं, दोनों मिलकर बनाएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे सर, छोटा वित्तीय बैंक बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए 200 करोड़ न्यूनतम पूंजी है, RBI का आदेश है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल या स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़ रुपये सरकार ने कर दिया, कुछ दिनों पहले RBI ने कर दिया है, ये दोनों मिलकर एक नया बैंक बनाएंगे, 50% मालिक ये, 50% मालिक ये, नया बैंक बनेगा, ये जो बैंक बने जो भी इसका नाम होगा व्हाटएवर, ये एक्स बैंक कुछ दिनों बाद PMC को टेक ओवर कर लेगा, तो इसका मालिक कौन हो जाएगा,
एक्स बैंक हो जाएगा। तो वह तो एक्स बैंक बनेगा और उसके बनने के 4 महीने बाद वो टेक ओवर लेगा पीएमसी का। इस पूरी प्रोसेस को आरबीआई ने मंजूर कर दिया है दोस्तों। तो इससे अच्छी बात ये होगी कि पीएमसी के जो खाता धारक हैं, जिनके अकाउंट में पैसे जमा है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा और पैसा निकाल पाएंगे अकाउंट से अपने वो। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं एक बार आपके साथ। न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक नया छोटा वित्तीय बैंक बनने वाला है दोस्तों। 6 साल पहले दिया था आरबीआई लाइसेंस, 2015 में लाइसेंस दिए थे स्मॉल फाइनेंस बैंक के। उसके बाद 6 साल से कोई नया स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनाया है। तो नया बैंक बनेगा सर, पहली बात तो एक जॉइंटली किस किस कौन मालिक होगा इसका, सेंट्रम फाइनेंशियल SFSL, एक कंपनी ये रही दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और दूसरी होगी भारत पे। तो 2 कंपनियाँ मिलकर नया बैंक बनाएंगी। ऑल सेट टू रेस्क्यू द स्कैम हिट पंजाब एंड कोऑपरेटिव बैंक, ये जो पीएमसी है इसको रेस्क्यू करेंगे सर। अब रेस्क्यू करने का मतलब क्या है, टेक ओवर कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे, एक्विजिशन कर लेंगे उसका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर इस डील को ग्रांटिंग एंड प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है और एक नया बैंक बनेगा, उसका नाम क्या होगा दोस्तों, सेंट्रम फाइनेंसिंग सर्विसेज। जी हाँ, एक नया बैंक बनेगा, इसी नाम से आप देख रहे हैं, SFL नाम से ये बैंक बनेगा, इस कंपनी के नाम से बैंक बनेगा, सेंट्रम फाइनेंसिंग सर्विसेज, जो भी इसका नाम CFC कह लीजिए, CFS बनेगा दोस्तों। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटा वित्तीय बैंक होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप जानते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। ये बैंक की तरह ही होते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लोन की जमा ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन छोटे आकार के, इन्हें सारे काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने बैंकिंग पढ़ा था आगाज़ प्रोग्राम में अपने, और मैं समझाया था स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक एंड अदर टाइप ऑफ बैंक समझाए थे मैं दोस्तों आपको, उसी गाड़ी में आप जोड़ सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ते हैं आप लोग, SFS की बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा सर, पहले तो SFS बैंक बनेगा सर ये, और फिर 120 दिन तक एक बैंक रहेगा, 4 महीने काम करेगा, और 4 महीने के बाद ये क्या करेगा सर, अमलग्रेशन करेगा, मर्ज कर लेगा अपने आप को PMC बैंक के साथ। तो सेंट्रम SFB जो बनेगा नया स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये PMC बैंक को अपने मर्ज कर लेगा सर, ठीक है। यहाँ पर 50% पार्टनरशिप भारत पे के पास, 50% सेंट्रम के पास, ठीक है दोस्तों। 6 महीने, क्योंकि 4 महीने तो उसको चलाना पड़ेगा, फिर मर्ज करेगा तो बनेगा, 4 महीने चलेगा फिर मर्ज करेगा, तो लगभग 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है सर, स्टेक होल्डर को फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि इनके पैसे इससे वापस हो जाएंगे सर। याद रखिएगा मार्च एंड 2020 में लगभग 10,000 करोड़ डिपॉजिट है PMC बैंक के पास, ठीक है, और इसने उधार कितना दे रखा है, 4,000 करोड़ का, तो उसको घाटा चल रहा है काफ़ी बड़े स्केल पर, तो शायद इसको टेक ओवर होने से फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है उसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपये से स्टार्ट हो सकती है वो, क्लियर है दोस्तों। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये CFSL जो कंपनी है सर, और भारत में मिलकर जो बैंक बना रहे हैं, इनको बैंक बनाएंगे नया, इनको ब्रांच खोलनी पड़ेंगी जगह जगह, और ऑलरेडी PMC बैंक के पास मुंबई में 100 ब्रांच हैं और अन्य राज्यों में ब्रांचेज हैं उसके पास, उस नेटवर्क का यूज़ कर पाएंगे। तो बना बनाए बैंक मिला है, खरीद लो, बैंक बर्बाद है, ब्रांच तो है, ऑफिस तो है, स्टाफ तो है, खरीद लो, बैंक में अकाउंट तो है लोगों, खरीद लो उसको, नया नाम रख देंगे, काम हो जाएगा आसान। यहाँ पर क्या ये खबर क्लियर है दोस्तों आपको, क्या ये न्यूज़ स्पष्ट हो गई है, ठीक है। याद रखिएगा लगभग 23 सितंबर 2019 से ये बैंक अपना बिजनेस बंद कर चुका है और RBI की स्क्रूटनी में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी कितनी सीमा है यहाँ पर, जब तक ये बैंक RBI की स्क्रूटनी में रहेगा, आपका 10 लाख भले ही जमाओ, 20 लाख जमाओ बैंक का, आप कुल मिला के 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं इसमें से अपना, तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगी। यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉ केवल 1 लाख का है, भले आपका 10 लाख जमा हो यहाँ पर, जब तक ये RBI की स्क्रूटनी में रहेगा आप 1 लाख रुपये कुल निकाल सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत संकट हो गया इसके बाद यहाँ पर दोस्तों। चलिए, तो ये आपको बताया मैंने, SFB बनेगा, ठीक है। चलिए हो भाई बात दोस्त, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए दोस्तों स्पीड में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पे आते हैं आपके साथ। अगली खबर क्या है सर, ये न्यूज़ नहीं है, बताना कुछ मुझे है, अखबार में खबर आई थी, बताना मैं कुछ और चाहता हूँ। आजकल कोरोना के इलाज के लिए अलग अलग थेरेपीज़, अलग अलग उपचार के तरीके आ गए। जैसे हमने पहले हम देखते थे प्लाज्मा तकनीक आई थी बीच में, काफ़ी फेमस पॉपुलर हुई, बाद में मना कर दिया ICMR ने। और भी तकनीकें, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाते हैं उसको भी सरकार ने कहा ज़्यादा लगाया जाए, स्टेरॉइड देते हैं वो भी मना कर दिया सरकार ने बाद में जाकर। कुल मिलाकर तो कोविड के इलाज के लिए डिफरेंट प्रकार की थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट्स लाए गए। आजकल 2-3 नए ट्रीटमेंट चर्चा में, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट चर्चा में, बहुत फेमस ट्रीटमेंट चर्चा में है, मोनोक्लोनल। बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं, MDAB बोलते हैं उसको हम लोग, क्या है ये तकनीक, और बहुत फेमस है अमेरिका में। ट्रम्प साहब को जब से इलाज किया गया, ट्रम्प साहब को जब चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना हुआ था तब उनको ये ट्रीटमेंट किया गया था,
और उसके बाद अमेरिका में इस पर ट्रायल चले और अमेरिका में इसको मंजूरी भी दे दी गई, मंजूरी मिल गई अमेरिका में। जब अमेरिका ने मंजूरी दे दी तो भारत में बात चल रही, भारत भी अस्पताल कर रहे हैं, हमारे दिल्ली में, कहीं आंध्रा में जाएं, तेलंगाना में जाएं, कई राज्यों में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए और सफल एक्सपेरिमेंट हुए हैं वहाँ पर। ठीक है सर, सुन लीजिए बात कर रहा हूँ दोस्त, सुन तो लो यार, स्पेलिंग लिखवाना सब कर दूंगा, बात तो सुन लो मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा धैर्य रखो यार, प्लीज़ आराम से सुन लिया करो, कभी कभी मूड नहीं होता बात करने, सुन लिया करो केवल उस दिन ना, हमेशा हर तरह से मूड नहीं होता है, तो आप बस सुन लो आज मेरी बातों केवल, ठीक है। स्लाइड बदलूंगा, सब लिखा है इसके ऊपर, मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्रक समझ लो, फिर पढ़ने में आसानी होगी। तो ट्रंप साहब के इलाज के बाद इसको अमेरिका की FDA जो है, वहाँ की जो रेगुलेटर बॉडी है, उसने इसको अप्रूव कर दिया इस ट्रीटमेंट को। लेकिन समस्या ये, ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और जब महंगा ट्रीटमेंट होता है तो लोग कराते इसलिए कि उनके पास इंश्योरेंस होता है। तो एक न्यूज़ हमारे पास ये आई है कि ये जो नए प्रकार की थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट हैं, इनको इंश्योरेंस कंपनियां ट्रीटमेंट का इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं आपको, ये उनके कवरेज के बाहर हैं। तो आप देखेंगे इंश्योरर कंपनियां से, हमारी जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो भी हमारी इंश्योर करती हैं, हेल्थ बीमा करती हैं, वो कवर नहीं दे रहे हैं नए थेरेपीज पर, साइलेंट हैं इस पर। वो कोरोना के इलाज पर आपको इलाज के लिए पैसा दे देंगे, अस्पताल में एडमिट हो जाओ, आपका 10 दिन इलाज चले, वो दे देंगे, लेकिन जो थेरेपीज़ आप कराने वाले हैं, जो आप नए ट्रीटमेंट कराने वाले हैं, उस पर वो कवर नहीं दे रहे हैं। तो खबर तो बहुत सिंपल छोटी सी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो थेरेपीज़ हैं कौन सी। ठीक है दोस्तों, आइए रहा, तो थेरेपीज़ की बात करें सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। ठीक है दोस्तों, सुनिए आराम से यहाँ पर, इसकी कीमत कहीं कहीं से 60,000 से लेकर 5 लाख तक आती है, और ऐसे में इसको कराने के लिए मुश्किलें होती हैं सर। ठीक है, तो ऐसे में अगर पेशेंट को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो कैसे करा पाएगा। मेरे काम की इंश्योरेंस वाली न्यूज़ नहीं, मेरे काम की है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी होती क्या है। चलिए दोस्तों, आपके साथ बात करते हैं एक डायग्राम के जरिए। कहाँ का डायग्राम? ये डायग्राम रहा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपके साथ, इन शॉर्ट कहते हैं इसको हम लोग MAB, नाम दिख रहा है नीचे आपको यहाँ पर, आप तो स्पेलिंग देख सकते हैं आराम से, आप यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है दोस्तों, रेड कलर कर लेता हूँ, दिख जाएगा आपको, MABs भी कहते हैं इसको, मोनोक्लो एंटीबॉडीज, ABS फॉर एंटीबॉडीज। अभी होता क्या है, सामान्य तरीके से कोई वायरस जब एंटर करता है शरीर में, तो स्पाइक जो होते हैं, ये स्पाइक हैं, ये आपकी सेल के संपर्क में आते हैं और इस वायरस एंटर कर जाता है कोशिका के अंदर, आपके शरीर में बाद में एंटीबॉडी पैदा होते हैं। एंटीबॉडी करते क्या हैं सर, थोड़ा जूम कर दूं बेटा, आप देख लो यहाँ पर, एंटीबॉडी स्पाइक को रोक लेते हैं सर, ये स्पाइक पर एक प्रकार से कैप लगा देते हैं, स्पाइक प्रोटीन ही आपके एंटर कर रहा है, स्पाइक प्रोटीन पर आपने कैप लगा दिया, तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पाइक प्रोटीन, ये एंटीबॉडी पैदा हुआ और इसने स्पाइक को ढक लिया, जिससे ये अब संपर्क में नहीं आ पाएगा कोशिका के आपके, और ये वायरस का असर पड़ना आप पे बंद हो जाएगा। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी समय के साथ तैयार होंगे, एंटीबॉडी तैयार होते हैं जब कोशिका अटैक, कोई बाहर से अटैक होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रन करता है और हम लोग एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी बनाना चालू कर देते हैं। ये एंटीबॉडी होता क्या है सर, क्या है होता है ये, क्या विटामिन है, हार्मोन है, क्या है दोस्तों? ये प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन कह लीजिए भाषा में, प्रोटीन होता है, आपका शरीर खुद पैदा करता है, वायरस को देखते हुए खुद पैदा करता है, लड़ने की क्षमता पैदा करता है, सब जानते हैं इसके बारे में आप। ठीक है सर, तो एंटीबॉडी ब्लॉक वायरस फ्रॉम द एंटरिंग द सेल, तो ब्लॉक करना मतलब उस स्पाइक पर कैप लगा देना, जैसे ये मान लीजिए पेन है, उस पर कैप लगा दिया उसने, तो ये अब संपर्क में नहीं आएगा कोशिका के, और संपर्क में नहीं आएगा तो आपकी कोशिका में कोरोना रहेगा बॉडी के अंदर, एंटर नहीं कर पाएगा सेल में, सेल में एंटर नहीं तो बीमार नहीं करेगा आपको, बहुत सीधी बात है। अब आइए हम क्या कर रहे हैं, अब दोस्तों पढ़ाते हैं, आप लॉइन पढ़ते हैं आपके साथ यहाँ पर। MABs आर एंटीबॉडीज डेवलप इन लेबोरेटरी टू हेल्प आर बॉडीज फाइट इन्फेक्शन। जी हाँ, ये ऐसे एंटीबॉडी हैं जो आपके शरीर में तैयार नहीं हुए हैं, हमने लैब में तैयार किए और सीधे शरीर में इंजेक्ट कर दिया आपके। जी हाँ, हम एंटीबॉडी बाहर से डाल रहे हैं, हम एंटीबॉडी ऐसा नहीं कि आपको वायरस देंगे, और जैसे सामान्य वायरस क्या होता है, इनएक्टिव वायरस डाला बॉडी में आपकी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी तैयार की, आपकी बॉडी ने तैयार की, अगली बार कोई वायरस आएगा रोक लेगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, दुनिया के तमाम वैक्सीन कैसे काम करती हैं, वो एक्टिव वायरस डालती हैं या इनएक्टिव वायरस डालती हैं, जिससे पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस डाला बॉडी में आपकी, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी तैयार किया, अगली बार कोई बड़ा वायरस का अटैक होगा तो आपकी बॉडी तैयार है लड़ने के लिए, वही काम स्पाइक में होता है, एक बार आपकी बॉडी लड़ना सीख गई स्पाइक से तो अगली बार नहीं होगा। आपकी बॉडी डेवलप करने में उसका 15 दिन लग जाएँ, 20 दिन लग जाएँ, इस दौरान उसका लंग्स खराब हो जाएँ, आपके फेफड़े खराब हो जाएँ, किसी अगर कोई सीनियर सिटीजन, उसकी मौत भी हो सकती है 15 दिन के अंदर, जब तक एंटीबॉडी बने पता लगा उसकी बॉडी नहीं बची वहाँ पर। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको अर्ली स्टेजेस में ही अगर एंटीबॉडी दे दिए जाएँ बाहर से, तो उनकी बॉडी कुवप कर लेगी, उनकी बॉडी तैयार रहेगी लड़ने के लिए दोस्तों। इसी थ्योरी पे काम करता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिद्धांत। क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं आराम से आपके साथ, अब इसको हम लोग इसमें करते क्या है सर, नियरली 100
हम MABR FDA अप्रूव्ड लगभग 100 के आसपास ही कर चुके हैं सर यहाँ पर ये, और इससे हम लोग ऑलरेडी कैंसर के इलाज में या अन्य डिजीज़ के इलाज में प्रयोग करते रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इसका। अब इसका इलाज प्रयोग किया जा रहा है कोविड के ट्रीटमेंट में दोस्तों, मुश्किल नहीं है समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर सर, ठीक है। तो इसका कोविड के इलाज में प्रयोग कर रहे हैं। अब ये एंटीबॉडी लैब में तैयार होते हैं, वो शरीर में डाले जाते हैं। अब लैब में कैसे तैयार होते हैं सर, अब मैं कहूँ आपसे डिफरेंट दवाइयाँ हैं जो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाती हैं, उनको आप पहले ही लैब में चेक कर लें। बहुत सारे कॉकटेल प्रकार की दवाइयों को मिला के चेक कर लीजिए आप, तो इंडिया में भी तैयार हो रही हैं, दुनिया भर में देख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो कॉकटेल ड्रग कॉकटेल इज़ फॉर इमरजेंसी यूज़ ओनली, जी हाँ। तो ये किसको दिया जा रहा है पहली बात समझिएगा, पहली बात तो किसको दिया जा रहा है, ऐसे मरीजों को जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है, यानी आपको कोरोना का सिम्टम आए हुए 2 या 4 या 10 दिन से पहले, कम की बात है, सीवियर सिम्टम हो गए, गंभीर हो गए, फिर नहीं दिया जाएगा ट्रीटमेंट। ये केवल उन्हें दिया जाएगा जो अभी हल्के फुल्के ट्रीटमेंट, हल्के फुल्के कोरोना के वायरस हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, मॉडरेट प्रकार के सिम्टम उनके अंदर हैं, उनको दिया जाएगा। ट्रीटमेंट वर्क बेस्ट विद इन द 7 डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, लक्षण आने के 7 दिन के अंदर आप ट्रीटमेंट कर दो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, तो आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। बहुत लेट हो गया फिर इंजेक्ट करते रहो बाहर से कितने भी, फिर नहीं लड़ पाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो माइल्ड टू मॉडरेट इनको दिया जाता है, इनको क्यों, अब सीनियर सिटीजन है कोई दोस्त, अब उसको सिम्टम दिख रहा है उसका, गंभीर हो जाए कल उसका, तो गंभीर हो जाए उसकी मौत हो जाए उससे पहले इसकी बॉडी में चालू करो ट्रीटमेंट करना। ओवरवेट है कोई, कोई हार्ट का डिजीज़ का डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, या फिर किडनी कुछ समस्या है उसके साथ, उसका इम्यूनोलॉजी लेवल बहुत कम है वहाँ पर, HIV पेशेंट है हो सकता है वो किसी प्रकार से, उनको ये ट्रीटमेंट चालू पहले ही कर देना चाहिए। तो जो सीनियर सिटीज़न है दोस्तों, जिनको ऑक्सीजन अभी ऑक्सीजन पर नहीं आए हैं लेकिन ऑक्सीजन पर आ सकते हैं कभी भी वो, तो उनके लिए किया जाता है दोस्तों ये यहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पेशेंट एट हाई रिस्क आर ऑल्सो एलिजिबल, क्या ये बात समझ में आती है पूरी की पूरी आपको, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी समझ में आया दोस्तों, प्लीज़ बताइए मुझे आप लोग। अब स्पेलिंग लिख ली होगी आपने सारी, चिंता मत करो दोस्त, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, थोड़ा सा धैर्य रखा करो, मैं जानता हूँ जनरेशन एक्स में धैर्य नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर, रखोगे तो अच्छा रहेगा, UPSC क्लियर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आपके धैर्य का भी एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस थेरेपी का नाम दिया गया दोस्तों मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की दवाएँ यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत प्रकार की थेरेपीज़ आ गई हैं आजकल, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी भी आ गई है आजकल, इसके अलावा 2DG भी आ गया है दोस्तों तैयार, और भी कई प्रकार की थेरेपी आ रही है, लेकिन ये इंश्योरेंस वाले इसको इंश्योरेंस नहीं देते हैं, तो न्यूज़ अलग है। मेरे काम की थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बहुत से चर्चा में चल रही है, भारत में परमिशन तो नहीं दी गई लेकिन अस्पताल इस पर मना भी नहीं किया हमने इसको, तो अस्पताल इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तेलंगाना में, आंध्र में, दिल्ली में नया अभी लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल में इसका केस सामने आया, वहाँ उन्होंने तैयार किया, तो उनको ये दिया जा रहा है दोस्तों, हो पाएगा। चलिए अगली खबर पे आते हैं दोस्तों आपके साथ, अगली खबर पे हम लोग आएंगे यहाँ पर। अभी क्या हुआ दोस्तों, ट्विटर ने कानून लागू नहीं किया, ट्विटर ने आप जानते हैं जैसा कि ट्विटर ने क्या किया है सर, अब तक नए नियम लागू नहीं किए हैं, तो यहाँ पर उसको कॉल किया, यहाँ पर बुलाया किसने इसको, हमारे स्टैंडिंग कमेटी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी होती है संसद की, उसने आमंत्रित किया, शशि थरूर की अध्यक्षता में कमेटी काम करती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, परमानेंट कमेटी होती है, स्थायी समिति होती है संसद की, ये उसने बुलाया ट्विटर को और पूछा भैया कि आपका कानून जो है इंडिया के लिए वो अन्य देशों से अलग क्यों है, आपका कानून भारत के कानून से अलग क्यों है, आप देश कानून क्यों नहीं मानते हैं, क्या आप कानून से ऊपर जा चुके हैं, तो डांटा वाटा काफ़ी ट्विटर के अधिकारियों को, और टाइम दे दिया 2 वीक का, जाओ लिखवा के लाओ कि आखिर क्यों कहना नहीं मानते तुम्हारा। तो ट्विटर को 2 हफ्ते का टाइम दिया रिटर्न लैंग्वेज में लिखने के देने का, सबमिट करने का, कि आखिर ट्विटर देश के कानून को, लॉ ऑफ द लैंड को स्वीकार क्यों नहीं करता है। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं खबर आपके साथ। तो यहाँ पर ट्विटर की जो भारत और अन्य देशों को लेकर जो स्थिति है, जैसे अमेरिका में किसी ने हेट स्पीच दी ट्रंप साहब ने, उनका अकाउंट तुरंत सीज कर दिया आपने,
भारत में हमारे नेता हेट स्पीच देते रहते हैं बहुत सारे, उनका अकाउंट बंद नहीं करते हो, ये भेदभाव क्यों? आप भारत में कानून क्यों नहीं मानोगे जबकि आप कानून मान चुके हो बाकी देशों में, तो इंडिया कानून क्यों नहीं मानोगे आप? तो काफ़ी सारी चीज़ें जो भारत को अलग करते हैं, आप अलग ट्रीट करते हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्या कहा। तो शशि थरूर की अध्यक्षता में ये पैनल काम करता है आपका, आईटी मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी जो है सर, उसने क्या कहा, क्या कहा सुन लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सेफ गार्डिंग सिटीजन राइट एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज सोशल ऑनलाइन मीडिया इंक्लूडिंग स्पेशल इम्फेसिस ऑन द वुमेन सिक्योरिटी इन डिजिटल स्पेस। जी हाँ दोस्तों, कि आपके बताइए आपका दृष्टिकोण क्या, आप क्या कर रहे हैं कि महिलाओं का जो सम्मान खतरे में ना हो, इस प्रकार से दुरुपयोग ना किया जाए सोशल मीडिया का, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ना हो, नागरिकों के अधिकार को कैसे सुरक्षित करेगा आपका सोशल मीडिया, बताइए आपने क्या प्रयास किए इस दिशा में यहाँ पर। ठीक है, तो 2 वीक का समय दिया है इनको लिख के देने के लिए, देखते हैं क्या होता है। अब ज़्यादा दूँ आपको यहाँ पर, नाइजीरिया, रशिया, साउथ कोरिया और ईरान ने ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले रखा है ऑलरेडी, उनके खिलाफ नियम जारी कर रखे हैं, बंद कर रखा है ट्विटर को अपने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बताना पड़ेगा इनको, खासकर यहाँ पर एक मेंबर ने ये भी पूछा इनसे कि एक राज्य में अलग पॉलिसी, दूसरे राज्य में अलग पॉलिसी क्यों है आपकी? महाराष्ट्र में कोई कुछ कहता है तो उसको आप बैन नहीं करते हैं, दिल्ली में कोई कहता है तो उसको आप बैन कर देते हैं, या यूपी में कोई कुछ कहता है उसको बैन कर देते हैं, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये 2 वीक का सबमिट करने का समय है इनके पास, उम्मीद करेंगे सबमिट करेंगे और देश के कानून के अंतर्गत काम करेगा ट्विटर, देश के कानून से बड़ा ट्विटर नहीं हो सकता हमारे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक खबरें स्पष्ट हो दी जा रही हैं आपको। अगली खबर दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको बस सुन लीजिए, लिखना विखना कुछ नहीं है आपको, सुन लीजिए केवल। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले गाइडलाइन जारी की थी, याद होगा दोस्तों आपको, एक दिशा निर्देश जारी किए थे, और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, राज्य स्तर पे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और सबसे नीचे होती हैं प्राइमरी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं नीचे, हमने इसकी बात की थी, और आरबीआई ने कहा है कि इनको मर्ज कर दिया है इसके साथ। याद है आपको खबर दोस्तों, शायद 10 या 15 दिन पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने कहा है कि जो मीडियम ब्रांच है यहाँ पर जिला स्तर पर जो बैंक्स होते हैं सहकारी बैंक, इन्हें मर्ज कर दिया जाए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। आपको याद हो तो मैं एक बार पढ़ा दूँ खबर क्या है दोस्तों। आरबीआई ने कहा था रिसेंट गाइडलाइन में कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB हैं, इन्हें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, इनको एमलगेट कर दिया जाए, इनको मिला दिया जाए, यानी DCCB का लेवल ख़त्म कर दिया जाए। ये आरबीआई ने एक एडवाइस वॉलंटियर बेसिस पे आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन महाराष्ट्र में ये चीज़ लागू होना मुश्किल लग रही है। महाराष्ट्र सरकार ने आरबीआई का आदेश मानने से मना कर दिया है। अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल सामने आया, वो समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आरबीआई का आदेश काम का हो जाएगा फिर आपके लिए, अगर पॉलिटिकल न्यूज़ आती है इसमें तो। आदेश क्या था, DCCB को मर्ज कर दिया जाए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। तो 3 लेयर की बॉडी होती है, मर्ज हो जाएगा, 2 लेयर बचेंगे केवल यहाँ पर, 2 लेयर की बॉडी काम करेगी, STCB काम करेगा और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो काम करेंगी। ठीक है सर, PACS काम करेगा। ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में दोस्तों, तो एक लेक्चर लिया मैंने आगाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, रूरल बैंकिंग का, उसको थोड़ा आप देख सकते हैं आराम से। आइए मैं यहाँ पर चर्चा कर दूँ पहले आपके साथ, इस जगह पर क्या है सर ये। ओके फाइन, लिसन केयरफुली, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर थिंग्स। ओके फाइन, यहाँ पर है क्या सर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये जो DCCB है ना दोस्तों, ये जिला स्तर पे काम करते हैं, बहुत सारे DCCB हैं, और इनके चेयरपर्सन पद पर, इनके अध्यक्ष पद पर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, और मुख्यतः कांग्रेस और NCP के पुराने कद्दावर नेता, इनके इनके अपने बैंक हैं, कॉपरेटिव एक पार्षद उसका बैंक है, एक कोई अध्यक्ष है NCP लोकल पंचायत का उसका बैंक है, यानी DCCB के मालिक कौन हैं, इसके अध्यक्ष पद पर कौन बैठे हैं, उपाध्यक्ष पद पर कौन बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं सर। और सही बात भी है, दोहराई नहीं है, मैं ये बात कई बार पहले बोल चुका हूँ आपको कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना, इस पर होल्ड है सर, किसका, इस पर होल्ड है पॉलिटिकल लोगों का। और इसके लिए आपको याद होगा, मैंने जब पढ़ा रहा था एक बार न्यूज़, आपको शायद काफ़ी लोगों को याद हो, जब मैं बता रहा था FPO के बारे में, मैंने कहा था भारत सरकार FPO को बढ़ावा दे रही है आजकल, कॉपरेटिव्स को बढ़ावा नहीं दे रही है। आपको याद हो तो मैं जब न्यूज़ में चर्चा कर रहा था FPO के बारे में, तब भी मैंने कहा था FPO, महाराष्ट्र में भी FPO बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन वहाँ पर FPO बढ़ नहीं रहे क्योंकि कॉपरेटिव सोसाइटी पे कब्जा किसका है, नेताओं का। तो नेता जो कहेगा, कॉपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष कहेगा, वो मानना पड़ेगा किसानों को। तो FPO क्या, किसान मिलकर काम करेंगे, कॉपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट वही है, मिलकर काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर पुरानी हो गई हैं, एक हेड बन गया है, वो सबको कंट्रोल करता है।
तो महाराष्ट्र में इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एफपीओ को आगे आना होगा, बढ़ना होगा एफपीओ को। यही बात लागू होती है बैंकिंग सिस्टम पे वहाँ के। तो बैंकों के अध्यक्ष बन गए वहाँ के एनसीपी कांग्रेस, ये अखबार कहना है, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, अखबार के मुताबिक एनसीसीपी या एनसीपी या कांग्रेस के जो लीडर हैं वो इनके अध्यक्ष पदों पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, उनका मानना है यदि महाराष्ट्र में इनको कमज़ोर करना है, क्योंकि ये पैसा बहुत आता है, डीसीसी बैंक है दोस्तों और लोग जमा करते हैं, तो पैसा कहाँ जाता होगा जमा होने के बाद, यहाँ भी जा जहाँ भी जाता हो, कुल मिलाकर उस पर कंट्रोल कौन कर रही है एक प्रकार से, ये नेता लोग करते हैं। अगर नेताओं कमज़ोर करना है तो कहाँ अटैक करना होगा, डीसीसीबी को, और इसीलिए इसको मिला दिया जाए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो एक ही होता है राज्य वो तो खैर, तो ये जो लोकल बॉडी हैं, ये जो पैसा इनके हाथों में ख़त्म हो जाएगा और इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ लोग मान रहे हैं अपोजिशन के यहाँ पर कि ये कांग्रेस एनसीपी के लोकल ग्रासरूट पॉलिटिशियन को ख़त्म करने का केंद्र सरकार का एक तरीका है महाराष्ट्र में। वी कांड से हमें क्या करना, हमारे काम का क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वो आरबीआई गाइडलाइन लागू नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके। वैक्सीनेशन फॉर दिव्यांग पर्सन, मैं आपसे दो दिन पहले बात ही कर रहा था, तो आज सरकार ने एक्शन ले लिया फाइनली उस पर, अपने अपनी बात सार्थक हो गई यहाँ पर। मैं दो दिन पहले बात ही कर रहा था दिव्यांगों के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, तो यहाँ पर सरकार ने फाइनली एक्शन लिया इसके ऊपर। आज बात करते हैं वैक्सीनेशन फॉर दिव्यांग, हमारी खबर का असर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूज़ कवर किया हिंदू ने, आज बता दूँगा आपको यहाँ पर। स्टेट स्ट्रगल विद द स्टडीज टू वैक्सीनेट डिफरेंटली एबल, जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्य प्रयास कर रहे हैं कि डिफरेंटली एबल पर्सन जो हैं, दिव्यांग पर्सन जो हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, लेकिन देश में कोई राष्ट्रीय रणनीति का अभाव है। इसके लिए हमारे पास कोई राष्ट्रीय रणनीति नहीं है। दिव्यांग जो लगभग 2.5 करोड़ की संख्या देश में इनके है, आपस में 2.5 करोड़ की आबादी है दिव्यांगों के देश में, लेकिन हमारे पास कोई एक नेशनल पॉलिसी नहीं है, नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है कि दिव्यांगों को क्या वैक्सीनेशन टू होम किया जाएगा इनको, या ईजी एक्सेस दिया जाएगा इनको। हालांकि कुछ राज्य प्रयास कर रहे हैं, जैसे वॉक इन के जरिए सीधे आइए लगवा लीजिए, कोई लाइन नहीं लगनी है आपको, कॉल सेंटर के से आप प्री बुक कर पाएँ स्लॉट अपने, या फिर होम वैक्सीनेशन सुविधा दें, या फिर ड्राइव थ्रू द इंश्योर वैक्सीन क्वालिटी इक्विटी में सीधे आओ वैक्सीन लगवाओ अपनी, बात चल रही है ऐसी, राज्यों ने प्रयास किए हैं, लेकिन एक कॉमन स्ट्रेटजी, कॉमन कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी हमारे पास नहीं है, ये बात सामने आई है। देश में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास डिसेबल पर्सन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर एक कॉमन स्ट्रेटजी का अभाव है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने एक प्रयास किया, खुद का एक मॉडल तैयार किया, जहाँ पर उन्होंने हेल्पलाइन तैयार कर दी है दोस्तों, और जिसके ज़रिए लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं दिव्यांग लोग, और स्लॉट बुक हो जाएगा कितने बजे आपको आना है, किस जगह पर आना है एग्जैक्टली, वहाँ पर आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी, आपको बिना इंतज़ार के आप सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ सरकार प्रयास कर रही कोविन ऐप में एक विशेष फीचर दे दे, जिससे दिव्यांग लोग अलग से अपना स्लॉट बुक करा सकें। तो कोविन ऐप में एक फीचर को ऐड करने की बात सरकार ने कही, हालांकि वो कब तक होगा वी कांट से, कब तक अपडेट करेंगे ये लोग, कब उसका नया वर्जन लेकर आएंगे, लेकिन हाल फिलहाल कोविन में एक ऐसा बटन होना ज़रूरी है जहाँ दिव्यांग लोग आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन को अंजाम दे सकें, या फिर एटलीस्ट एक कॉल सेंटर हो या एक अन्य सुविधा दी जाए, जिससे एटलीस्ट एक बटन हो कोविन ऐप के साथ, जिसको दबाने का मतलब है कि कॉल सेंटर से फ़ोन आएगा और आपका दिव्यांग यदि आप हैं तो आपका स्लॉट वो खुद बुक कर देंगे, ना कि आपको परेशान होना पड़े स्लॉट बुक करने के लिए वहाँ पर। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए जो कि नहीं है हमारे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, तो सरकार प्रयास कर रही है कि एक नेशनल स्टडीज तैयार की जाए, एटलीस्ट कोविन ऐप को थोड़ा सही किया जाए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। यदि आप कहते हैं सुगम्य भारत, याद होगा दोस्तों एक कैंपेन चलता है हमारे सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर एक कैंपेन है एक्सेसिबल इंडिया, और ये कैंपेन का मतलब मालूम है क्या आपको, इस कैंपेन का थीम क्या है, सुगम्य भारत अभियान का थीम क्या है, सरकार के सभी कार्यालयों तक, ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एक्सेस बाय ऑल टाइप ऑफ दिव्यांग, यानी कि जो दिव्यांग हैं देश के, वो सभी सरकारी कार्यालयों तक, सभी सरकारी संस्थानों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। वहाँ पर जगह जगह रैंप हो व्हीलचेयर चलाने के लिए, या ब्लाइंड लोगों के लिफ्ट में बटन हो वहाँ पर, या जगह जगह उनके लिए सुविधाएं दी गई हों, यानी कि किसी पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस या सरकारी कार्यालय, सरकारी कॉलेज आदि में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दिव्यांग वहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकें। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सुगम्य भारत के साथ साथ हम लोग यहाँ ध्यान रखें कि लोग वैक्सीनेट करा सकें, सरकारी अस्पतालों में जाकर उनके लिए सुविधा आपको प्रदान करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त, वैक्सीन मिलना एक इशू है, वो एक अलग मुद्दा है। वैक्सीन लगवाने के लिए जाना और उन परिस्थितियों में जाना, लाइन में लगना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, कई बार आपको हो सकता है
कई बार आप चाहते हैं वैक्सीन आपको लगवानी, उस व्यक्ति को लग चुकी है, वो नहीं चाहता बाहर जाना, तो आपको उस व्यक्ति को साथ में लेके जाना पड़ेगा, तो मुश्किलें होती हैं कई बार। तो ऐसे में सब कम से कम समय में अधिक से सुविधा के साथ हो जाए तो अच्छा माना जाएगा इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे यहाँ पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, देश में अप्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इनडायरेक्ट टैक्स देखता है, जीएसटी आदि देखता है, उसने ये क्लियर कर दिया है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो बोर्ड फीस लेती हैं, जो एग्ज़ाम फीस लेती हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अच्छी बात है भाई, उस पर जीएसटी लेते थे क्या लोग, मालूम नहीं था ये तो मुझे, आज ही मालूम पड़ा कि नहीं लेंगे ये लोग, उन्होंने कहा है तो नहीं लेंगे, अच्छी बात है। इसके तहत, इसके अलावा दोस्तों एक फैसला और किया है कि जो कॉरपोरेट हाउस हैं, जो हमारे कंपनियाँ हैं, वो मिड डे मील कई स्कूलों में स्पॉन्सर करती हैं, कई जिलों में कई मिड डे मील स्पॉन्सर करती हैं उनमें, तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यदि वो कुछ ख़रीदारी कर रही हैं उस के लिए, कुछ गाड़ी बुक की उन्होंने वहाँ पहुँचाने के लिए सामान को, यदि वो मिड डे मील बांट रही हैं आंगनवाड़ी में, स्कूलों में, तो वहाँ पर उन पर कोई जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छी बात है यहाँ पर, कुल वन लाइन न्यूज़ है दोस्तों, वन लाइन न्यूज़ केवल, याद रखिएगा कभी आ जाए इनमें से किस पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है इन सेवाओं को। ठीक है, यूपीएससी याद रही तो पूछ लेता कभी कभी वो, इनमें से किस चीज़ पर जीएसटी लगता है नहीं लगता है, तो थोड़ा याद होना चाहिए आपको यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, छोटी सी खबर थी आपके साथ ये, सब कुछ ठीक। ओके दोस्तों, मूव फॉरवर्ड। खबर कुछ नहीं है, कल सीपीआई, एआर और आरएल के आंकड़े आ गए, महंगाई बढ़ गई, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं करने वाले हम लोग, महंगाई बढ़ गई है सर, ठीक है। मेरे काम का कुछ और बताना है, मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, मेरा वादा था आपसे, सीपीआई एएल आरएल इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई आर, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंपोजिट, इसकी चर्चा पिछली क्लास में मैंने की थी आपसे, दो साल क्लास पहले। बेटा जूही मिश्रा, मैंने आपसे कहा मेरे न्यूज़ पहले हो जान दो, समय होगा तो मैं टेस्ट ले लूँगा आप लोगों का, नहीं होगा तो मैं नहीं दावा कर रहा हूँ। कभी कभी होता है बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्लास में कैसे ले रहा हूँ मुझे मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी कल छूट चुकी है क्लास, मैं चाहता आज क्लास छूटे, तो बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाने का, तब भी पढ़ा रहा हूँ कि एटलीस्ट वो जिम्मेदारी वाला काम हो जाए पूरा, इतनी खबरें हो जाएँ कि आज का अखबार निपट जाए, तो लोड ना हो मेरे पास कल, फिर 3 दिन का लोड हो जाएगा फिर यूट्यूब पर मेरे पास कराने के लिए। तो प्लीज़ आज सुन लो, बिल्कुल मैं कोई ह्यूमर के मूड में नहीं उस समय, खबर सुन लो आज बैठ के, ठीक है, अगर मेरे स्टूडेंट हो सुन लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बॉडी लैंग्वेज मेरी क्या कह रही है, सिर्फ खबरें पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, कुछ बता रहा हूँ बेसिक बातें, सुनते जाओ, ठीक है। कुछ खबरें छूटे नहीं, अल्टीमेटली हमारा गोल होता है कि न्यूज़ ना छूट जाए, कि ऐसा ना हो कि एक दिन में छूटे उसमें खबर आ जाए, तो एटलीस्ट खबर पढ़ लोगे तो बैकग्राउंड हमारे पास पढ़ने से हम जानते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। एक बार स्कैन हो जाए पूरा न्यूज़पेपर मेरे साथ आपका, ठीक है। चलिए वेयर वी आर, ओके, एल आर एल आई डब्ल्यू, ठीक है, लिसन केयरफुली। सी पी आई आर, सी पी आई रूलर, सी पी आई अर्बन और सी पी आई कंपोजिट, इनको जारी करता है सी एस ओ या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक दिन पहले बात की थी मैंने इसके बारे में आपसे यहाँ पर, जब डब्ल्यू पी आई के आंकड़े बता रहा था, सी पी आई के आंकड़े बता रहा था, मैंने कहा था महंगाई बढ़ गई है 12% पहुँच गया, तब मैं बात कर रहा था इसके बारे में, और फिर मैंने कहा था डब्ल्यू पी आई का नया इंडेक्स आने वाला है, तब भी मैंने बताया था आपको उसके बारे में, ठीक है। सो केवल में बात करें तो ये सी एस ओ जारी करता है, सब जानते हैं आप सी एस ओ कह लीजिए, एन एस ओ क्या, अब तो एन एस ओ करता है, नेशनल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस जो है वो जारी करता है, ठीक है सर। मैं बोल रहा था इससे क्वेश्चन इस बार आ सकता है, उस दिन मैंने कहा था इससे क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे किसी ने कहा सर थोड़ा बता दीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है बता दूंगा जब भी कोई न्यूज़ आएगी, तो आज न्यूज़ आ गई, तो न्यूज़ तो बहुत काम की नहीं है मेरे लिए, महंगाई बढ़ गई, मैंने कहा इंडेक्स जारी हुआ तो मौका अच्छा है बताने का आपको, क्या है सर वो जान लीजिए दोस्तों। सी पी आई ए एल यानी एग्रीकल्चर लेबर, आर एल मतलब रूरल लेबर, आई डब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, कृषि मजदूर, कृषि श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक और औद्योगिक श्रमिक, 3 लेबर होती है सर इसके अंदर। कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड स्किल जो हमारा है, लेबर जो मंत्रालय है सर उसके तहत ब्यूरो, लेबर ब्यूरो है हमारा एक, लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो, वो जारी करता है डेटा सर, मंथली बेसिस पर आते हैं, कुछ पॉइंट लिख दूँ आपके लिए, तो लेबर ब्यूरो जारी करता है सर इसको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत आता है, मंथली बेसिस पर हैं तीनों सर ये, मंथली बेसिस पर हैं तीनों सर ये। मेन यूज़ क्या है इनका, देश में मिनिमम वेज तय करते समय ध्यान रखा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर लेबर की मिनिमम वेज क्या हो, ग्रामीण मजदूर की मिनिमम वेज क्या हो, इंडस्ट्रियल वर्कर की मिनिमम वेज क्या हो, तो न्यूनतम वेतन जब तय करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो उसके सामने इंडेक्स बहुत काम आते हैं, ठीक है सर।
इसके अलावा न्यूनतम वेतन लिख दूँ आपके लिए, न्यूनतम वेतन तय करते समय ये इंडेक्स देखा जाता है महंगाई कितनी बढ़ गई। मान लो इस समय का न्यूनतम वेतन, जैसे हम बात करें मुंबई हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 700 रुपये मिलते हैं स्पॉट बॉय को, सबसे लोएस्ट बिल पर होता है स्पॉट बॉय यूनिट में, उसको मिलते हैं 700 रुपये, क्योंकि मिनिमम वेज है वहाँ 620 रुपये, तो 700 रुपये देते हैं वो उसको उस समय, 620 रुपये पर डे मिनिमम वेज है मुंबई फिल्म एसोसिएशन की। अब क्या इसको थोड़ा मैं ले जाऊँ, महंगाई बढ़ गई 10%, तो 20 महंगाई बढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, तो मिनिमम वेज हो जाएगा कितना इस केस में 682 रुपीज़ हो जाएगा मिनिमम वेज। तो फिर क्या होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यूनतम वेतन कब बढ़ते हैं, जब इस इंडेक्स में कोई उछाल भारी उछाल देखा जाता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते रहते हैं न्यूनतम वेतन को, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक सीमा तय करती है, राज्य सरकारें बाद में अपना न्यूनतम वेतन तय करती हैं इसके बाद, ठीक है सर। यहाँ पर काम की बात यह दोस्तों, इसके इंडेक्स के बेस ईयर क्या क्या है वो जान लीजिए, आपके संग काम आएंगे। इन तीनों की बात मैं करूँ दोस्तों, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या किया है सर, CPI IW का बेस बदला है, दो कुछ महीने पहले ही, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त की, लास्ट ईयर कब बदला था, लास्ट अगस्त में बदला था बेस ईयर, नया क्या कर दिया है सर 2016, पहले कितना था सर ये 2001 का, तो CPI IW का बेस ईयर बदला गया है दोस्तों। ये खबर आप देख रहे हैं सौजन्य से अगस्त 2020 के स्लाइड से, तो अगस्त 2020 की स्लाइड है दोस्तों ये, तो तब इन्होंने बदला था ये 2016 में, 2016 का बेस ईयर बनाया गया है, बदला है 20 में आकर, बेस ईयर कितना का हो गया 16 का, पहला कितना था सर 2001 का बेस ईयर था, याद रहेगा आराम से CPI IW। बाकी जो दो इंडेक्स हैं दोस्तों, बाकी जो दो इंडेक्स कौन कौन से होते हैं आपके, एक है AL और RL, दो तीन इंडेक्स हैं दोस्तों, इसका 2016 हो गया, इन दोनों की बात करें सर, इन दोनों का बेस ईयर कितना चल रहा है 86-87 का, इन दोनों का बेस ईयर कितना है इस समय सर 86-87 का बेस ईयर है, जो बहुत जल्द ही यानी आने वाले 2 महीने के अंदर आपके PT एग्ज़ाम से पहले अगस्त 2021 में ये चेंज होने वाला है। संभवतः क्या होगा सर, बात चल रही है 2019-20 की, अभी होता है कि नहीं होता है या कोरोना की वजह से रोक दिया जाता है इसको, ये अलग बात होगी, लेकिन अगस्त 2021 से हम लोग बेस ईयर बदलने वाले हैं इसका 86-87 का बेस ईयर। अब वो क्या होगा बेस ईयर वो मालूम पड़ेगा, लेकिन चर्चा में है दोस्तों ये तीनों इंडेक्स आपके, कौन जारी करता है, लेबर ब्यूरो जारी करता है, बताया मैंने आपको, ये किस काम आते हैं, फिक्स करने मिनिमम वेज करने के काम आते हैं सर, ये मिनिमम वेज तय करने के काम आते हैं। 5 कंज्यूमर इंडेक्स बोला मैं, 6 बोलता हूँ, 5 या 6 बोल लीजिए, क्योंकि CPI R और CPI अर्बन दो ये हैं, और इन दोनों को मिला के बनता है CPI कंपोजिट, तो अलग से भी कुछ मानते हैं, नया है कुछ कहते हैं, दो का जोड़ी तो है, तो अलग से इंडेक्स नहीं है कोई, ये इन दोनों का जोड़ है कंपोजिट, इन दोनों का जोड़ है कंपोजिट, तो ऐसे में केवल दो ये हैं और 3 ये हैं, 5 हो गए आपके सामने, तो 5 लिखा है मैंने यहाँ पर, कुछ तो बोलते हैं 6, तो 6 भी गलत नहीं है, क्योंकि कंपोजिट भी जारी होता है कंपोजिट, लेकिन कंपोजिट का मतलब क्या, दोनों को जोड़ देते हैं केवल, तो वो इंडेक्स मेजर नहीं करते बैठ के लेकर, ये केवल दोनों को जोड़ देते हैं और एक कंपोजिट तैयार हो जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है दोस्तों आपको, यहाँ पर सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ रही है मेरी बातें आराम से, ठीक है, ठीक है, एक है दोस्तों, ठीक है, बता दूँ मैं आपको, जो बाकी दो हैं आपके NSO जारी करता है दोस्तों, ये NSO कौन कौन से जारी करता है आपके CPI में, कौन कौन से जारी करता है वो NSO, CPI रूलर, CPI अर्बन और CPI कंपोजिट, 3 जारी करता है सर, और 3 कौन जारी करता है बाकी के, लेबर ब्यूरो जारी करता है, याद हो जाएगी सारी कहानी दोस्तों। अभी राइट नाउ जब तक बदला नहीं है, इसका बदल चुका है 2016 बेस ईयर हो गया दोस्तों, इन दोनों का बदला नहीं है, 86-87 का है, चलो CPI अर्बन CPI रूलर जारी करता है NSO सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। याद रखिएगा आज से कुछ साल पहले 2005 में NSC नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन बनाता सर, अंडर द चेयरपर्सन ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन, आराम सुनिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाता सर 2005 में, ठीक है, यहाँ क्या हुआ था सर, एक कमेटी बनाई गई थी NSC के, NSC सेटअप बाय NSC, इसने एक समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन, इन्होंने सजेशन दिया था दोस्तों यहाँ पर कि CPI रूलर और CPI अर्बन जो है दोस्तों यहाँ पर, CPI रूलर और CPI अर्बन जो है यह सर यहाँ पर, इसे AL RL और इनको रिप्लेस कर दिया जाए, इन्हें बंद कर दिया जाए और ये ला दिए जाएँ, तो उस समय नहीं आए थे, बाद में आए थे ही अपने आप में, बाद में क्या थे पटेल साहब, कौन से RBI गवर्नर थे ना पटेल साहब, ने उन पटेल साहब की कमेटी बनी थी, RBI ने बनाई थी, उनकी रिकमेंडेशन पे फिर RBI इसको ले बाद में लेकर आई थी सरकार। हाल फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं सर यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
तो काफ़ी लंबे समय से बात चल रही है, इनको बंद कर दिया जाए, इंडेक्स को बंद कर दिया जाए और सीपीआई रूलर और सीपीआई अर्बन को चला के रखा जाए। लेकिन हमारे सभी इंडेक्स चल रहे हैं क्योंकि दो मंत्रालयों का टसल है अपने आप में, ये एक मंत्रालय कुछ जारी करता है, हमारे कुछ जारी करता है, वो ज़्यादा अधिकार छोड़ा जाए, क्योंकि सीपीआई रूलर अर्बन कौन जारी करेगा, फिर स्टेटिस्टिक्स मंत्रालय जारी करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर काम खत्म हो जाएगा, तो वो अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है और पुराने बेस पर ही वो घिसा जा रहा है इसलिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेस ये पुराना होने का बड़ा कारण यही है यहाँ पर, उसको मालूम बेस ये बदला तो आपको नए वालों के समकक्ष आना पड़ेगा, अर्बन रूलर के समकक्ष आ जाएंगे, जैसे आप बराबर आए तो फिर आपका रोल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर से बदलाव नहीं आ रहा है लंबे समय से, लेकिन इसीलिए आपका क्वेश्चन यहाँ तैयार हो सकता है इस साल सीपीआई आईडब्ल्यू एएल और आरएल के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, उम्मीद कर रहा हूँ सब समझ आ रहा होगा आपको। बाई डिफॉल्ट ये कुछ बेस ईयर है दोस्तों, बता दूँ, अपडेट कर दूँ मैं यहाँ पर आपको, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर ये बदलने वाले हैं बहुत जल्दी दोस्तों, नया बेस ईयर आने वाला है, ये बदलने वाला है, ठीक है, बताया था आपको कुछ दिनों, बदलने वाला है बेस ईयर। सीपीआई का तो चल ही रहा है, कोई मुश्किल नहीं है सर, ये दोनों बदलने वाले हैं और ये बदल चुका है, 2016 हो चुका है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत डीआईपीपीटी का डिपार्टमेंट अपना। नेक्स्ट खबर क्या है दोस्तों हमारे पास, अगली खबर क्या है हमारे पास, सुन लीजिए आराम से। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो पर्यटन मंत्रालय है दोस्तों, वो चाहता है देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, रूरल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, और उसके लिए वो एक पॉलिसी, एक रणनीति तैयार कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है सर, काफ़ी अच्छी संभावना है सर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भारत में रूरल टूरिज़्म की काफ़ी बड़ी संभावनाएँ हैं, रूरल टूरिज़्म की काफ़ी बड़ी संभावनाएं भारत में दोस्तों हमारे यहाँ पर हैं, तो इसको देखते हुए भारत वो चाहता है मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, कि स्ट्रेटजी हो देश में कि कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इस बारे में, अच्छी बात है सर। इसके अलावा वो मेडिकल टूरिज्म ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग काफ़ी स्केल पर, दो मिनट रुक जाइए दोस्तों, एक चर्चा में कर दूँ आपके साथ। देश में टूरिज़्म एक बड़ा सेक्टर है, इस समय काफ़ी घाटे में चल रहा है, अलग बात है, टूरिज़्म की बात करें इसको हम लोग मानते हैं बहुत भविष्य का सेक्टर अपने आप में, चैंपियन सेक्टर मानते हैं दोस्तों उसको हम लोग। चैंपियन सेक्टर जानते हैं क्या होते हैं आप लोग, चैंपियन सेक्टर्स और कितने हैं चैंपियन सेक्टर्स, आई नो एक होते हैं सनराइज सेक्टर्स, चैंपियन सेक्टर सनराइज सेक्टर्स अंतर है दोनों में ना, चैंपियन सेक्टर्स सनराइज सेक्टर्स। आने वाले दिनों में जो तकनीकें बढ़ने वाली हैं, फोटोवोल्टिक सेल, बैटरी, केमिकल बैटरीज, फोटोवोल्टिक बैटरीज, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन पावर, फ्यूल पावर, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, सनराइज सेक्टर आने वाले दिनों में तेजी से भरने वाले हैं। चैंपियन सेक्टर वो जिनमें भारत काफ़ी अच्छा काम कर चुका है, काफ़ी अच्छी लीडिंग पावर हम लोग हैं और अच्छा कर सकते हैं, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया जहाँ बढ़ेगा आपका बेसिकली, चैंपियन सेक्टर। सनराइज सेक्टर जो फ्यूचर है, भारत का भविष्य है, जिसमें भारत को अच्छा करना है, तो टूरिज़्म ऐसा सेक्टर जो अनएक्सप्लोर्ड है अब तक हमारे यहाँ पर, तो टूरिज़्म को हम लोग कहते हैं सनराइज सेक्टर, कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी संभावना इसके अंदर है, बहुत सारी समाज छुपी हुई है, अच्छा काम कर सकता है। तो सरकार टूरिज़्म को लेकर काफ़ी संजीदा है, तो टूरिज़्म के एक बार सोचिएगा, पर्यटन के फ़ायदे, वाई वी नीड टूरिज्म इंडस्ट्री, क्यों ये हमें उद्योग की आवश्यकता, आखिर क्या फ़ायदे हैं इस इंडस्ट्री के दोस्तों। थोड़ा सा मैं ओपन कर रहा हूँ आपका चैट बॉक्स, उम्मीद करूँगा आप कुछ जो कहेंगे सही कहेंगे, यहाँ पर सोच के कहेंगे टूरिज़्म के फ़ायदे क्या, सोचिए दोस्तों टूरिज़्म के बेनिफिट क्या होने वाले हैं हमको यहाँ पर। टूरिज़्म के बेनिफिट, पहले तो डिसेंट्रलाइज अपने आप में सर ये, यानी पूरे देश में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होगा, देश में इतनी हेरिटेज है, इतनी ग्रीनरी है, कहीं राम मंदिर बन रहा है, कहीं अजमेर की हम ज़्यारत करने जा सकते हैं, अमृतसर के मंदिर जा सकते हैं हम लोग, या हम गोवा के चर्च जा सकते हैं, तो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट जाएँ, जम्मू कश्मीर जाएँ, हिमालय के पहाड़ों पर जाएँ, गोवा के बीचेस पर जाएँ, केरल के हम लोग बैकलेश झील में जाएँ, बहुत हमारे पास टूरिज़्म का स्पॉट है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड है, हर राज्य में संभावनाएँ अपार हैं टूरिज़्म की सर, पहली बात। दूसरी बात, टूरिज़्म ना केवल टूरिज़्म को बढ़ावा बल्कि वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है, ये कहने को सर्विस सेक्टर है लेकिन वैल्यूएशन बहुत अच्छा होता है, जब टूरिस्ट कहीं आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की इंडस्ट्री को, वहाँ के हस्तशिल्प को, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट को, वहाँ के क्राफ्ट्स को, वहाँ की सामान को बढ़ावा मिलता है, वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है जो वहीं की इंडस्ट्री है, तो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है सर, बड़ी बात होती है।
इसके अलावा सर मैं आपको टूरिज्म में बात करूँ यहाँ पर, तो टूरिज़्म मल्टीपल सेक्टर को सपोर्ट करता है, ना केवल इंडस्ट्री को। इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें होटल सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, गाइड्स चाहिए होते हैं आपको, यानी मल्टीपल सेक्टर में जॉब क्रिएट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब क्रिएट करता है यहाँ पर आपके लिए, मल्टीपल सेक्टर में जॉब क्रिएट करना, एक सेक्टर में नहीं मल्टीपल सेक्टर में। उसका फ़ायदा मतलब क्या होता है, बोलते हैं मल्टीपल। इसका फ़ायदा मतलब ये होता है कि स्किल को भी और नॉन स्किल को भी, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी रोज़गार मिल जाए कुछ ना कुछ। होटल में यार ढाबा खोल के बैठ जाएगा, कुछ रोटी सेकेगा यार, कुछ कुछ नहीं आता होगा, कुछ काम करेगा, सफाई काम करेगा, होटल साफ करेगा, वॉट एवर। या फिर स्किल वाला होगा, वेबसाइट तैयार करेगा, स्किल को काम करेगा, यानी सबके लिए यहाँ पर सबके लिए रोज़गार होते हैं, स्किल एंड नॉन स्किल अनस्किल्ड लोगों के लिए रोज़गार होते हैं। टूरिज़्म का फ़ायदा क्या होता है सर, टूरिज़्म का फ़ायदा होता है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। पोटेंशियल मतलब क्या है सर, यहाँ पर घरेलू भी और विदेशी भी, यानी आपका राज्य आपका देश बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित कर सकता है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड कहूँ तो मैं। आप किस सेक्टर में काम करेंगे आप जानते हैं, 1500 2200 ग्राहक हो सकते हैं। आप कार बनाएंगे आप जानते हैं, ये इंडिया के 35 लाख लोग हैं जो लग्जरी कार खरीदते हैं, इनको मैं अपनी कार बेच पाऊंगा, या इंडिया के 1 करोड़ लोग हैं इनको कार बेच पाऊंगा। ये अनलिमिटेड सेक्टर है यार, जितना आप डेवलप करो उतना ज़्यादा बढ़ेगा ये। तो आप क्या करें सर, यहाँ पर ये सेक्टर की ग्रोथ जो है अनपैरलर है अपने आप में, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है सर। इसकी ग्रोथ फॉरकास्टिंग करना मुश्किल है अपने आप में, कितना तेज़ी से बढ़ेगा सेक्टर ये कहना बड़ा मुश्किल काम होगा इसके बारे में। ठीक है सर, और क्या फ़ायदा है टूरिज़्म का मिलता है हमको दोस्तों यहाँ पर, टूरिज़्म इंडस्ट्री का फ़ायदा। टूरिज़्म इंडस्ट्री से कल्चर कम्युनिटी, कल्चर बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। सोचे तो हम लोग भारत की विविधता में एकता का दर्शन होते हैं, जुड़ती है हमको, एक भारत श्रेष्ठ भारत जब हम कहते हैं तो सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ता है। जब किसी स्पॉट पे जाते हैं आप तो वहाँ के कल्चर से वहाँ की संस्कृति से आप रूबरू होते हैं, और कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत विविधता में एकता आपको दिखाई देती है। तो ऑफकोर्स इसका कल्चर आस्पेक्ट स्ट्रांग है, देश की यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि सद्भाव बहुत ज़रूरत है देश में, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप में कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए बड़े स्केल पर सर। टूरिज़्म का प्रमोट होना समझ सकते हैं, टूरिज़्म एक बार एक प्रकार से हब बन जाता है पूरे, एक प्रकार से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है सर। एक शहर बन गया टूरिज़्म हब, यदि मान लीजिए अयोध्या बनेगा टूरिज़्म हब या फैज़ाबाद बनेगा, तो उसका असर आसपास के ज़िलों पर पड़ेगा। यदि कोई टूरिस्ट नगरी है, कोई पर्यटन नगरी है, तो उसका विकास आसपास के शहरों पर ही पड़ता है। जी हाँ, तो एक टूरिस्ट हब बनता है, रीजनल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, इसके साथ साथ क्षेत्रीय विकास बहुत तेज़ी से होता है इसके साथ में। दोस्तों टूरिज़्म के फ़ायदे हैं सर, टूरिज़्म इंडस्ट्री में कई प्रकार के सॉफ्ट जॉब होते हैं जो महिलाएं आराम से जुड़ सकती हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स हो या अच्छी सर्विसेज की बात हो, या मैं कहूँ तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में तो अच्छा रोल महिलाएं प्ले कर सकती हैं, उतना शायद पुरुष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी है, ये आपका एक सॉफ्ट इंडस्ट्री है। यहाँ पर बल का प्रयोग नहीं करना है आपको, मेहमान नवाजी करनी है, यहाँ पर लोगों का आतिथ्य स्वीकार करना है, आतिथ्य देना है आपको। तो अल्टीमेटली जेंडर इसमें कहें तुम लोग, वुमेन के पास ज़्यादा एम्पावरमेंट है रिगार्डिंग टूरिज़्म सेक्टर। तो जेंडर जॉब या मैं कहूँ तो फीमेल जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगे यहाँ पर सर, अगर हम ध्यान दे पाएँ तो महिलाओं को अधिक जॉब पैदा हो सकते हैं सर। यहाँ पर दो राय नहीं है, आपके शहर में सर होटल इंडस्ट्री है वहाँ जॉब क्रिएट हो सकते हैं, या डिफरेंट प्रकार के रेस्टोरेंट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हस्तशिल्प हैं, वहाँ महिलाओं को रोज़गार मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं सर। इसके अलावा सर हम लोग बात करें भारत की जो पहचान है, जैसे रूरल इंडिया की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, या अन्य क्षेत्रों में, ये बहुत ही हमारे यहाँ पर जो भी है ना, इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। खासकर मेडिकल टूरिज़्म देखें, आयुष टूरिज़्म देखें, या मैं नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन टूरिज़्म देखें, आइलैंड टूरिज़्म देखें, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इतना बड़ा ज्योग्राफी है हमारी यार, इतनी बड़ी ज्योग्राफी, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ज्योग्राफी के इलाकों में अलग अलग। भारत के पास डाइवर्स टूरिज़्म हो सकता है, हिमालय घूमना चाहे, बर्फ़ पे आना चाहे तो हिमालय है, तटों पे जाना चाहो तो भाई हमारे यहाँ पर आपके पास, हमारे पास गोवा के, केरल के, उड़ीसा के, आंध्रा के तट हैं हमारे पास। आप चाहो तो राजस्थान का रेगिस्तान भी देखो, कश्मीर की बर्फ़ भी देखो। तो ये सब कुछ है, आपके ज्योग्राफी जो है भारत की वो बहुत यूनिक बनाती है भारत को। अब सोचिए आप UAE जाएंगे, रेती रेत मिलेगी हर जगह यार, ज़्यादा हुआ थोड़ा बहुत समुद्र तट मिल जाएगा आपको यार। आप यूरोप में जाओगे वहाँ पहाड़ मिलेंगे, बर्फ़ मिलेगी, वहाँ का रेगिस्तान मिलेगा आपको। इंडिया एक ऐसी जगह है, सब कुछ आप छोटे से बजट में पूरा देश घूम सकते हो, सस्ता है और पूरा देश डाइवर्सिटी के साथ है, तट से लेकर बालू के लिए, रेगिस्तान से लेकर बर्फ तक, सब कुछ एक जगह है, वो कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है सर, यहाँ पर तो इसका इंडिया की ज्योग्राफी सपोर्ट करती है हमारे टूरिज़्म को। क्या जोड़ पाएंगे, ईस्ट और वेस्ट को देखा जाए तो बीच में आता है इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी बहुत काम की है। हम एक्ट ईस्ट से अपने आशियान के देशों को टूरिस्ट लेकर आएँ, और मिडिल ईस्ट से, यूरोप से अपने टूरिस्ट को लेकर आएँ, तो एक बहुत बड़ा हब बन सकता है भारतीय टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो इसको अगर पोटेंशियल देखा जाए तो काफ़ी कुछ कहने के लिए आवश्यकता है सही नीतियों की,
सही पॉलिसीज़ की कोऑर्डिनेशन की, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन की स्ट्रेटजी सही हो हमारे पास, सुरक्षा दे पाएँ अपने टूरिस्ट को, हम लोग एक सिक्योर इंडियन ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाएँ कि आइए से लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, पेरिस जाते हैं, बार्सिलोना जाते हैं, ऐसी इंडिया में आइए, इंडिया के आप देखिए यहाँ पर जगह, हमें इंडिया को ब्रांड बनाना होगा एज अ टूरिज़्म इंडस्ट्री में दोस्तों। क्या बात जोड़ पाएंगे सारी कहानी को आप? ओके दोस्तों मूव करते हैं। दीपक टेस्ट अभी नहीं हो रहा दोस्त, मैं अभी टेस्ट पहले पढ़ा दूं फिर देखता हूं मैं क्या पोजीशन बनती है। सर्जन इनलीगल एसटीबीटी कॉटन, दोस्तों सुन लीजिए, आज एक खबर हिंदू में भी और कई अखबारों ने कवर की एक साथ इस खबर को आज, इनलीगल एसटीबीटी कॉटन, सुनिए मामला क्या है दोस्तों। एचटीबीटी कॉटन आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, एचटीबीटी कॉटन का नाम तो सुना ही होगा आपने। एक और है हाइब्रिड टॉलरेंस के बारे में बात कर रहे हैं सर, आइए हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके साथ। एसटीबीटी कॉटन क्या होता है सर? ये हाइब्रिड टॉलरेंट बीटी कॉटन, ठीक है दोस्तों, अब सुनिए आराम से। हम एक ऐसे बीज की बात कर रहे हैं जो बीटी कॉटन तो है लेकिन उसमें एक लेयर और हमने बदलाव कर दिया जिससे वो और इफेक्टिव बन गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। बीटी कॉटन का सामान्य जेनेटिक बीज होता है जिसमें कुछ बदलाव करके हम लोग उस पर बता दूँ सामान्य बात में आपको, जैसे सामान्य बीटी कॉटन का जो बीज होता, कॉटन का जो बीज होता है दोस्तों, उसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से एक नया, उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, एक जीन जोड़ते हैं, जैसे क्राय वन ए सी जीन जोड़ दिया, मान लीजिए मैंने इसमें ये जीन जोड़ दिया तो बन गया बीटी कॉटन, ठीक है, इसको बीटी कॉटन कह दिया हम लोगों ने। इसमें क्या होता है सर, सामान्य कपास के पेड़ पर एक वाइट बॉलवर्म लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, पेस्ट लग जाता है, एक प्रकार से वाइट बॉलवर्म लग जाता है, कीड़ा लग जाता है जिससे हमारा कपास ख़राब हो जाता है, वाइट बॉलवर्म, ठीक है, ये ख़राब हो जाता है। अगर कपास में ये जीन है तो जब कपास बड़ा होगा तो जीन से एक प्रोटीन बनता है और जब ये कीड़ा लगता है, ये प्रोटीन खाता है वो, तो वो मर जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, यानी आपका कपास वाइट बॉलवर्म से फ्री हो जाता है सामान्य भाषा में, वन लाइन में। तो कॉटन में ये जीन जोड़ दिया तो नया बीटी कॉटन बन गया। बीटी कॉटन का पौधा जब बड़ा होगा तो ये जीन चूकी है तो प्रोटीन बनाएगा जीन, तो प्रोटीन कौन सा बनेगा, प्रोटीन जो बनेगा सर जिसको खाकर वाइट बॉलवर्म नष्ट हो जाए, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यानी आपका कपास का पेड़ पर कोई कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन समस्या क्या है, खरपतवार की, वीट की, कपास के साथ, कपास का मान लीजिए पेड़ है ये, तो कपास के साथ कई छोटे छोटे पेड़ या खरपतवार समझते हैं, वीट समझते हैं हम लोग, वीट समझते हैं सभी लोग, खरपतवार, यस और नो समझते हैं, खरपतवार समझते हैं, हर्बिसाइड, वीट कह लीजिए, खरपतवार कह लीजिए, वो बनप जाती है। तो यहाँ पर करना क्या पड़ता है, अब इस पर आप पेस्ट नहीं छिड़क सकते, इस पर आप इस पर कीटनाशी हर्बिसाइड नहीं छिड़क सकते क्योंकि छिड़केंगे तो कपास का पेड़ ख़राब हो जाएगा, तो छिड़काव नहीं कर सकते खरपतवार को रोकने के लिए, आपको लेबर लगानी पड़ती है इसे काटने के लिए, हाथ से काटो यार खरपतवार को, कपास का पेड़ रहेगा बाकी हाथ से काटो, क्योंकि जैसे आप इस पर आप खरपतवार हर्बिसाइड पेस्ट स्प्रे करेंगे ये पेड़, ये तो मर जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है यार, तो क्या किया जाए, तो आपको लेबर लगानी पड़ती है, डबल दो बार करना पड़ता है, लेबर साफ़ करती है खरपतवार को, ठीक, एक्स्ट्रा जो पैदा हो जाते हैं पेड़ वहाँ पर उनकी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये जो एचटीबीटी कॉटन है सर, एचटीबीटी कॉटन जो है दोस्तों सुन लीजिए, एचटीबीटी कॉटन की बात कर रहा हूँ, इसमें आपने नया बदलाव कर दिया बायोटेक्नोलॉजी में, और ये क्या करता है सर, जब हर्बिसाइड्स स्प्रे करते हैं आप पेड़ के ऊपर, कपास के पेड़ के ऊपर, बीटी कॉटन के ऊपर, तो ये मरता नहीं है, खरपतवार मर जाती है ये नहीं मरता, हर्बिसाइड्स टॉलरेंट, एचटी का मतलब सर हर्बिसाइड टॉलरेंट, यानी कि मैं कहूँ भाषा में इस पेस्ट के प्रति टॉलरेंट है ये पेड़, तो स्प्रे कीजिए आपको हटाना नहीं पड़ेगा मैनुअल लेबर लगाकर, तो दो बार आप मैनुअल लेबर लगाते हैं हटाते हैं खरपतवार, हटाओ मत स्प्रे मारो, कपास के पेड़ों कुछ नहीं होगा, खरपतवार मर जाएगी, तो हाइब्रिडसाइड टॉलरेंट होता है दोस्तों ये पेड़ आपका, हाइब्रिडसाइड टॉलरेंट यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो स्प्रे करते हैं उसके प्रति आपका पेड़ टॉलरेंट बन जाता है, सहिष्णु बन जाता है, वो नष्ट नहीं होता, कपास का पेड़ रहता है, खरपतवार नष्ट हो जाती है, किसान को फायदा हो गया, दो बार की लेबर का पैसा बच गया उसका, सस्ता हो गया कपास उसके लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उसकी, तो यहाँ पर कपास या किसान, इसको फेवरेट होता है किसान का, ये किसान इसका बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है सर, किसान इसका यूज़ करते हैं, तो लेकिन क्या देश में एचटीबीटी कॉटन अलाउ है? जी नहीं दोस्तों, ये लीगल नहीं है, हमारे बीटी कॉटन अलाउ है, एचटीबीटी को भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी है, दुनिया में कई जगह होता है लेकिन इंडिया में यूज़ नहीं करते, भारत सरकार का मानना है ये कैंसरजनक होता है, कैंसरजनक है अपने आप में, तो सरकार ये मानती है दोस्तों, सुन लीजिए, सरकार ये मानती है हमारी कि ये जो पौधा है बीटी कॉटन का सर, ये कैंसरजनिक है, और जीएसी ने अब तक इसकी परमिशन हमको नहीं दी है, इलीगल है भारत में एचटीबीटी कॉटन, इसको उगा नहीं सकते हैं, उसके लिए
जीसी ने क्या किया सर, इसकी परमिशन नहीं दी आपको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सुन लीजिए आराम से, इससे कैंसर पैदा होता है। हालांकि WHO मानता है इससे कैंसर पैदा नहीं होता, ये नुकसानदायक नहीं है। तो दुनिया कई देश यूज़ करते हैं, हम भी मंगा लेते हैं उनसे भी, इनलीगल तरीके से ब्लैक मार्केट मिल जाते हैं बीच, तो किसान इसका यूज़ करते हैं। तो लगातार इसकी प्रयोग बढ़ रहा है देश में, अधिकतर किसान STBT कॉटन उगा रहे हैं, जिसका नुकसान किसको हो रहा है, जो लीगल बीज बेचने वाली कंपनियाँ हैं, जो उनके एसोसिएशन हैं जो लीगली बीज बेचती हैं BT कॉटन के, उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है भैया कि इसकी बैन को रुकवाओ, इसको इनकी बिक्री को रुकवाओ, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसके कई सारे इफेक्ट हैं। ना केवल इफेक्ट इसका एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है, किसानों पर होगा, जो कंपनियां हैं उन पर होगा, या गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर भी। कंपनियां बीज नहीं बेचेंगी तो उसका टैक्स भी नहीं मिलने वाला, तो सरकार के रेवेन्यू पर होगा दोस्तों। तो एनवायरनमेंट पर, किसानों के स्वास्थ्य पर, बीज कंपनियों के फायदे पर, और सरकार के रेवेन्यू पर, सबको नुकसान होगा यदि आपने इसको नहीं रोका, इनलीगल कल्टीवेशन को नहीं रोका। क्या बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको मेरी यहाँ पर, क्या बात समझ में आ गई सबको यहाँ पर? तो STBT कॉटन क्या है, थर्ड जनरेशन बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों, जिसमें आप प्लांट की एबिलिटी होती है सर्वाइव करने के लिए, जब आप स्प्रे करें इसके ऊपर हर्बिसाइड्स तो वो सर्वाइव कर सके। ये प्लांट की कीमत हो जाती है सर, तो किल सीड्स, तो खरपतवार तो मर जाती है लेकिन प्लांट बच जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में परमिशन नहीं है, लेकिन 15% देश के कुल कॉटन का 15% एरिया जो है वो STBT के तहत आ गया, तो बड़ी बात है अपने आप में ये। इसका उपयोग बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पर। हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी क्या करना चाहिए मुझे, हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब हर्बिसाइड स्प्रे जब करेंगे तो उसके प्रति टॉलरेंट होगा BT कॉटन का पेड़। सामान्य बात है दोस्तों यहाँ पर, प्लांट रजिस्टर्ड टू द हर्बिसाइड ग्लाइसोफेट, तो ग्लाइसोफेट जब आप स्प्रे करेंगे तो पेड़ मरेगा नहीं, आपका सीड मर जाएगा, वीड मर जाएगा, पेड़ नहीं मरेगा दोस्तों। WHO का मानना है कि डज नॉट कॉज कैंसर, ठीक है, लेकिन सरकार मानती है कि भैया इससे कैंसर पैदा होता है, हम इसका यूज़ नहीं करने देंगे। क्या बेटा समझ आ गई सारी बातें आप लोगों को, बताइए प्लीज़ मुझे फटाफट। STBT का बच्चे पूछे वे फॉरवर्ड क्या है सर, वे फॉरवर्ड कुछ नहीं, तो इनलीगल चीज़ें ख़त्म करना पड़ेगा आपको, पहली बात तो इनलीगल चीज़ें वे फॉरवर्ड यही होता है, इनलीगल है बंद किया जाए। हाँ, साइंटिफिक स्टडी चलती रहे, R&D होता रहे इसके ऊपर, यदि हमें लगता है कि GAC इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज काम करे, इसको लगता है कि अगर ठीक है ये फर्दर स्टडी करे, उसको लगता है ठीक है, तो परमिशन मिलनी चाहिए। इनलीगल को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बहुत सीधी बात है यहाँ पर, इनलीगल को स्वीकार ना किया जाए दोस्तों यहाँ पर। और साइंस को आगे बढ़ना चाहिए, तो साइंस को सपोर्ट करेंगे आप यहाँ पर, R&D को सपोर्ट करेंगे, GAC को सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रोसीजरल प्रक्रिया थोड़ा तेज़ हो यहाँ पर, हर्डल्स ना आए यहाँ पर, लीगल केस ना बने, साइंटिफिक कम्युनिटी को बोलने का मौका दिया जाए आखिर सही है या नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्लीज आगे बढ़ते हैं दोस्तों सर। लेकिन WTO नहीं मानता तो इंडिया में बैन सही है, WHO नहीं मानता, WHO तो बहुत कुछ नहीं मानता, तो WTO, WHO बोला था मैंने पीछे, WHO नहीं मानता कैंसर है, ठीक है, WHO के मानक अलग हो सकते हैं, हमारे मानक अलग हो सकते हैं, WHO ने कई वैक्सीन को परमिशन दे दी, हमने अभी तक नहीं दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी हर बात को माने यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग। शुगर आउटपुट टॉप्स, ओके, देश में चीनी शुगर का उत्पादन इस साल रहा सर 306 लाख टन, ठीक है सर, जो पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा है सर, इस बार लगभग 35 लाख टन थोड़ा ज़्यादा है इस बार उत्पादन, तो 35 लाख टन ज़्यादा उत्पादन हुआ है चीनी का सर। ठीक है, इन पॉइंट बात है, तो चीनी की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है देश के अंदर, थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो कुल मिला के मैनेज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इन पॉइंट बात है सर, लार्जेस्ट चीनी उत्पादन कहाँ हुआ सर, UP में हुआ सर, लगभग 110 मिलियन टन, तो 306 लाख टन में से 110 लाख टन कहाँ हुआ, यूपी में हुआ सर, 306 लाख टन में से महाराष्ट्र में कितना हुआ सर, लगभग यहाँ पर लगभग 106, हाँ ठीक है, 106 लाख टन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दोनों को मिला दीजिए, टॉप 2 स्टेट है दोस्तों चीनी के उत्पादन में,
तकरीबन 2/3 चीनी, 33% यहाँ पर और 33% ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो देश की 2/3 चीनी दो राज्यों में बनती है, यूपी महाराष्ट्र बैक टू बैक सपोर्ट करते हैं, दूसरे को सपोर्ट कॉम्पीट करते हैं, कभी महाराष्ट्र कभी चीनी यूपी आगे जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे जाता है दोस्तों। तीसरे नंबर पर कर्नाटका है, हम देख रहे हैं यहाँ पर लगभग आप समझ सकते हैं लगभग 41 लाख आउट ऑफ 306 में से। तो तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पे तमिलनाडु होता है दोस्तों आपका। टॉप चार आप याद कर सकते हैं दोस्तों, हो पाएगा क्योंकि अभी सीजन ख़त्म हो रहा है, आप जानते हैं सीजन ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो ऐसे में 306 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक, याद रख पाएंगे दोस्तों हम लोग, ये कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर यही ऑर्डर रहता है, कभी महाराष्ट्र टॉप पर आया था कभी यूपी टॉप पर आया था, ये चलता रहता है, ठीक है। अभी टॉप पर तीन है, यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु का राज्य नाम, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। कितनी जानकारी चाहिए थी आपको, शुगर प्रोडक्शन देश में कहाँ हो रहा है। ओके, जैसे आप जानते हैं दोस्तों तमिलनाडु में चिड़ियाघर में शेरों की मौत हो रही है कोविड-19 के चलते, लगभग 3-4 शेरों की डेथ हो चुकी है वहाँ पर सर। अगर बात करें सर, जून 3 को वहाँ पर 9 शेर पॉजिटिव पाए गए थे, वेंडालूर जू है सर, वेंडालूर जू या पूरा नाम है अरिनगरा अन्ना जूलॉजिकल पार्क है सर, जो चिड़ियाघर है, जो वहाँ के 9 शेर कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 16 अभी कुछ दिनों पहले सर 9-year-old लॉयना शेरनी की मौत हुई, जो 16 जून को हम देखते हैं यहाँ पर सर एक मेल लॉयन उसकी डेथ हुई यहाँ पर। तो 2-3 डेथ हो गई है सर हाल के दिनों में यहाँ पर। ऐसे में वाइल्ड लाइफ में या वाइल्ड लाइफ के में कोविड-19 का प्रसार हो रहा है, जिसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने एक टास्क फोर्स अपॉइंट कर दिया दोस्तों, जो क्या करेगी कोविड इन्फेक्शन अमंग वाइल्ड एनिमल्स। ये खबर छोटी सी बता दूँ दोस्तों, एक जोड़ दूँ खबर यहाँ पर, मैं पढ़ रहा था इन दोनों किस अखबार में कहाँ पढ़ रहा था, श्रीलंका सरकार ने भी क्या किया मालूम है, श्रीलंका में चिड़ियाघर में मौतें हो रही हैं, उन्होंने भारत से समर्थन मांगा, सहयोग मांगा है वाइल्ड लाइफ में कोविड-19 को रोकने के लिए। तो जो एक्सपर्टीज़ हमारी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ भी यह काम हो रहा है इस बारे में ध्यान दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर श्रीलंका सरकार ने भारत से सहयोग मांगा है वाइल्ड लाइफ कोविड-19 पॉजिटिव केसों को देखने के लिए, याद रही खबर दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैप्टिव एनिमल्स हैं, जो चिड़ियाघर में माफी बंद हैं या टाइगर रिजर्व में बंद हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, नेशनल पार्क में कहीं पर हैं, कैप्टिविटी में हैं, या फिर एक्सीटू में हैं, माफ कीजिए इंसीटू में हैं, नेशनल पार्क के अंदर हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कोविड-19 की जांच करना, कैसे माने बढ़ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बढ़ने की हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे मिटिगेट किया जाए कोविड-19 को बढ़ने से, उसमें उस पर एक काम करेगा दोस्तों एक टास्क फोर्स यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं कौन हेड होगा सर टास्क फोर्स, सुप्रिया साहू इंपॉर्टेंट नहीं है कौन टास्क फोर्स का हेड होगा, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने वाइल्ड लाइफ एनिमल के अंदर कोविड-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए एक टास्क फोर्स गठित कर दिया है। और पैरेलल में न्यूज़ जोड़ लीजिएगा, श्रीलंका ने भी भारत सहयोग मांगा है कोविड-19 इन वाइल्ड लाइफ दोस्तों। अभी हाल में चिड़ियाघर में मौत हुई दोस्तों, चिड़ियाघर का नाम याद रखिएगा वेंडालूर जू या अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कुछ शेरों में कोविड-19 लक्षण पाए गए हैं, क्या अन्य जीवों में पाए गए हैं, क्या कुत्तों में बिल्लियों में या अन्य जीवों पाए गए हैं, इसको UPSC पूछ सकता है, वो दे देगा स्टेटमेंट कि बिग कैट्स वाले प्रजातियों में कोरोना का प्रसार देखा गया, स्टेटमेंट लिख देगा। तो लॉयन बिग कैट में आता है, जब इसमें है तो उसके फैमिली के बाकी जो मेंबर हैं, चाहे वो लियोपर्ड हो, तेंदुआ हो, या वो चीता हो, या फिर टाइगर हो, उसमें भी हो सकता है ये, तो वहाँ पर प्रसार हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो बिग कैट प्रजातियाँ जो हैं उनमें भी प्रजातियाँ ये हो सकता है, अभी लॉयन में सामने आया है, बाकी जगह भी ये हो सकता है दोस्तों, हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट चर्चा में आ गए दोस्तों, तमिलनाडु के CM मिलने आए दिल्ली में, PM साहब से हमारे स्टालिन दिल्ली आए और लेटर पकड़ाया उन्होंने बहुत सारे सर PM साहब को, PM साहब ये देख लो, PM साहब वो देख लो, ये डिमांड है वो डिमांड है, उसमें एक लेटर था उनका बीच में, सेतु समुद्रम परियोजना दोबारा शुरू की जाए। और जैसे कोई सेतु समुद्रम का नाम लेता है ना, सरकार की घंटी घंटी बजने लगती है दिमाग में, ऐसा क्यों देखिए दोस्तों, सुनिए आराम से। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है सर, मैप जानते हैं दोस्तों, मैप तो दिखा ही होगा आपने इसका, यहाँ पर क्या होता है सर, अभी भारतीय जहाज़ों को यदि यहाँ से यहाँ जाना होता है तो पूरा घूम के जाना पड़ता है, 36 घंटे का सफ़र लगता है यहाँ से यहाँ जाने में, 36 hours की जर्नी ईस्ट टू वेस्ट जाने में। तो ट्रेन पकड़ो चले जाओ, क्यों जाते हो जहाज़ से, ठीक है पानी का जहाज़ चलाएंगे भाई तो क्या करेंगे ना, ट्रेन नहीं पकड़ेंगे हम लोग, हम यहाँ से जहाज़ लेके 36 घंटे की यात्रा करके जाएंगे, इससे सस्ता पड़ता है कई बार ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर एक बहुत लंबे समय से मांग हो रही है कि ये जो मन्नार की खाड़ी है, पाक बे है, यहाँ से होकर रूट बना दिया जाए,
इसको ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, गहरा करना पड़ेगा, बड़े जहाज़ गुजर सकें यहाँ से, तो आप खुदाई करनी पड़ेगी और जहाज़ गुजर सकेंगे। इस परियोजना का नाम है सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है? बंगाल की खाड़ी को अरब सागर जोड़ने के लिए मन्नार की खाड़ी और पाक बे से होते हुए एक समुद्री मार्ग तैयार किया जाए, जिसके लिए आपको जो कोरल्स हैं यहाँ पर, जो चट्टाने हैं समुद्र में नीचे, उनको तोड़ना पड़ेगा, इससे गहरा हो सके समुद्र और उसके बाद आप यहाँ से निकल सकें। ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है। 2007 में यूपीए सरकार ने इसको शुरू करने का विचार किया था। तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज़, केरल की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। तमिलनाडु की अम्मा की पार्टी हो, डीएमके की पार्टी हो, केरल की लेफ्टिस्ट पार्टी लगातार सपोर्ट करती रही हैं। लेकिन जो मैं कहूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार के जो ग्रुप्स हैं, जिनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे संघ के लोग हैं या फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनका मानना है कि ये जो समूह है या जो ये जो यहाँ पर जो चट्टाने हैं, पवित्र चट्टाने हैं, राम सेतु कहते हैं वो लोग इनको, तो राम सेतु को तोड़ा गया तो देश में धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। उनका पक्ष भी है सर अपनी जगह पर। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अब तक नहीं दिया है क्या करना है। राम सेतु को संरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, या तोड़कर इसको सेतु समुद्रम बनाना है, ये भी तय नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, बहुत दिनों से बात दबी हुई थी, अब नए सीएम आ गए तमिलनाडु के, जो कि सपोर्ट करते हैं सेतु समुद्रम को, तो उन्होंने मोदी साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा भैया आप तुरंत इसको चालू कराइए, रिवाइव द स्टॉल्ड सेतु समुद्रम। अब रिवाइव करने की बात आपने कह तो दी, अब सरकारी समस्याएं दो हैं यहाँ पर। यदि सरकार हाँ करती है तो जो सरकार के अन्य एलिमेंट हैं या सरकार के जो सपोर्टिव एलिमेंट हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बात राम सेतु की है। ठीक है, नहीं करती है तो लोकल पार्टियां तमिलनाडु में, एक एंटी केरल में, तमिलनाडु में और इवन कर्नाटक में भी, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलता है बिज़नेस से, तो उनमें भी एक नाराज़गी पैदा हो सकती है। इकोनॉमिक फ़ायदा होता है राज्य का, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट के, तो उनको इकोनॉमिक नुकसान होगा इससे। अब यहाँ पर एक नया एंगल दे दिया स्टालिन ने, यहाँ पर स्टालिन ने खत में क्या लिख दिया आपने कि ठीक है इकोनॉमी की बात तो है ही है हमारे लिए, लेकिन लेकिन अगर ये बनता है तो भारत की सिक्योरिटी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि श्रीलंका के जो बदले हालात हैं, जो रंग रूप बदल रहा है श्रीलंका का, ये अगला नेपाल बन सकता है, यहाँ पर चाइनीज़ आ सकते हैं, नेपाल बोल रहा हूँ, श्रीलंका है ये, नेपाल बन सकता है अगला, और यहाँ पर चाइनीज़ आ सकते हैं और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप तुरंत नहीं पहुँचेंगे इन अपने पोर्ट को सिक्योर करने के लिए, और आप सोच रहे हैं आप ऐसे पहुँचेंगे, तो आपको देर हो सकती है। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें सर, यहाँ पर आप मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ सेतु समुद्रम को हाँ करें। तो सेतु समुद्रम नेशनल इंटरेस्ट में है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, चाइना के एंगल को देखते हुए। अब यहाँ पर धार्मिक भावनाएं अलग हो जाएंगी, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाएगी। यहाँ पर हिंदुओं की या धार्मिक भावनाएं जो हैं राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर नहीं हो सकती, ये यहाँ पर एक आर्गुमेंट दे दिया स्टालिन ने। या तो आप सरकार मना करती है हम नहीं करेंगे, तो राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं आप यहाँ पर, हाँ करते हैं सरकार की मुश्किलें, सरकार एक ट्रैप में फंसी दिख रही है, हमारे काम का वो नहीं है। हमारे काम का है सेतु समुद्रम बनाम राम सेतु बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या जोड़ पा रहे हैं पूरी मामले को दोस्तों हम लोग, एक नया एंगल मिल रहा है देखने का इसको। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सेंटर टाइड स्पॉट में क्यों आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर, ठीक है कॉन्ट्रोवर्शियल बताया मैंने आपको, रिलीजियस सेंटीमेंट हैं अपने आप में काफ़ी इन लोगों के यहाँ पर सर। राम सेतु ब्रिज बनता है तो आपको धार्मिक भावना हिंदुओं की आहत हो सकती है, इनका मानना है कि रामायण का लेकिन 2007 में स्टोर्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है हाल फिलहाल। ठीक है सर, प्रोजेक्ट मैप देख लिया आप लोगों ने। ठीक है सर, ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला है, 900 करोड़ रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं केवल इसके एस्टिमेट करने पर और बाकी चीज़ों पर। अब स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो बताया मैंने श्रीलंका वाली बात छेड़ी आपको मैंने यहाँ पर, तो डीएमके के सांसद ऑलरेडी कह चुके हैं कि भैया आप बनाइए, क्योंकि साइटिंग सिक्योरिटी द मेन रीज़न। मत सोचिए तमिलनाडु को फ़ायदा होगा, ये सोचिए कि देश की सुरक्षा होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर अगर 15-20 साल बाद चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, पनडुब्बियाँ आती, सेना आ जाती है, तो भारत को अगर घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक, इंडियन नेवी को अगर बे ऑफ बंगाल और इसके बीच में जाने के लिए 36 घंटे लगेंगे, तो नेवी काम नहीं कर सकती, चाइना यहाँ बैठा है आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि पहले हमने तैयार क्यों नहीं किया। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करे, जल्द हियरिंग करे, जो फैसला है सरकार स्वीकार करे और उसके अकॉर्डिंग सरकार वहाँ पक्ष रखे कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसमें ध्यान रखी जाए। हो पाएगी दोस्त बात हमारी यहाँ पर। एनवायरमेंटल कंसर्न है दोस्तों, दो राय नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए एनवायरमेंट को साइड में किया सकता है। आप जानते होंगे
भारत के एक आदेश है, EIA अधिनियम, EIA नोटिफिकेशन, उसमें लिखा गया है जो डिफेंस प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए EIA अप्रूवल नहीं चाहिए, जो रक्षा परियोजनाएं होंगी उनके लिए, ये डिफेंस प्रोजेक्ट बन रहा है अगर यहाँ से वहाँ तक हमारी नेवी मूव कर सकेगी, सुरक्षा के लिए बन रहा है तो डिफेंस प्रोजेक्ट अगर है देश का ये, तो इसके लिए EIA अप्रूवल यानी कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि तिब्बत बॉर्डर पे हम कुछ करते हैं या अंडमान निकोबार में कुछ करते हैं, आप ये काम करते हैं क्योंकि आपको डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन नहीं लेनी होती EIA की। तो जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा है वहाँ पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेनी चाहिए, सीधी बात है। तो फिर मामला खत्म हो जाएगा, कोरल नस्ट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें, अगर सरकार ये मानती है नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो नहीं मानती तो फिर सारे मुद्दे हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, राम सेतु है, इकोलॉजिकल आस्पेक्ट है, सारी बातें हैं, सुरक्षा के अंगे सब बंद हो जाएगा। ठीक है, जुड़ पा रहे हैं दोस्तों खबरों को हम लोग। WTO में दोस्तों बातचीत चालू हो गई है, भारत के प्रस्ताव बनाम EU के प्रस्ताव पर बातचीत चालू हो गई है। EU ने विरोध कर दिया भारत के प्रस्ताव का कि हम ये छूट नहीं दे सकते हैं। भारत का कहना है कि कोरोना वैक्सीन, कोरोना की सामग्री पर पेटेंट ना लागू किए जाएं, लेकिन EU ने क्लियर कर दिया कि भैया हम क्या कर रहे हैं सर, हमने क्या किया है, हम अपने देश से निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटा दी हम लोगों ने, हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे यहाँ पर अब। इसके अलावा उनका कहना है कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों में उत्पादन भी कर रहे हैं, तो आपका जो छूट मांगना है ये गलत है यहाँ पर, तो अपोज कर रहा है यू। देखते हैं क्या बातचीत निकल के सामने आती है, अभी डिस्कशन चालू हो गया है, उम्मीद करेंगे टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया दोस्तों, उम्मीद करेंगे कुछ दिनों में इसका परिणाम निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है सर, मुश्किल नहीं है इस न्यूज़ में तो, खैर ओके। UN यूनाइटेड नेशन की बात करें सर, इनका एक अंतर्राष्ट्रीय जो एक एक्सपर्ट्स ग्रुप है इनका, उसने माना है कि भारत के जो नए IT नॉर्म्स हैं जिसको लेकर ट्विटर का बात चल रहा है या सरकार ने कहा है कि शिकायत प्राधिकरण लगाएं और सब ये करें, इनका मानना है कि ये IT रूल्स जो हैं आपके यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के नियम के संगत नहीं हैं, ये लोगों के व्यक्ति के अधिकार को छीन रहे हैं। इनका मानना है कि भारत सरकार ने जो भी हाल में नियम जारी किए हैं ये डू नॉट अपीयर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। अंतर्राष्ट्रीय नियम जो हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के, स्वतंत्रता के, या फिर आपके जो नियम हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उन नियमों के अनुरूप नहीं है भारत के नए नियम, यानी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रही है, अंतर नहीं पड़ने वाला भारत को, ये हमारा आंतरिक मामला है, सुरक्षा का मामला है, तो हम नहीं सुन रहे इनकी बात, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा गया मामला UN में उठा सकता है कोई देश, कोई रख देगा UN मामले को, भारत ने एक गलत कानून पास किया है, फिर क्या करेंगे, फिर जवाब देना पड़ेगा UN में जाके आपको। हाल फिलहाल UN ने मामला उठाया दोस्तों, मेंबर हैं UN के हम लोग, और UN के फंक्शनिंग में, UN के प्रिंसिपल्स में, UN के सिद्धांतों में हम बिलीव करते हैं। वहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप का कहना है कि भारत के IT के नियम मैच नहीं करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार नियमों से। ठीक है, सुन लेते हैं इनकी बात, लेकिन कड़ी निंदा कर देंगे इनकी फिर हम लोग बाद में जाकर, हमें हमारा आंतरिक मामला है, मत बोलिए आप लोग होते कौन है हमारे आंतरिक मामले में बोलने वाले, ये नहीं बोल सकते UN को, क्योंकि ये UN, इसका तो काम ही आपके मामलों में बोलने वाला, इसका तो काम ही आपके मामलों में बोलने का, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे आंतरिक मामलों में बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं UN के मंच पर जाके कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, हम भी बोलते हैं वहाँ जाकर, तो हम भी बोलते हैं दूसरों के मामले में, UN बोलता है वो, वहाँ पर इंडिया बुराई नहीं कर रहा, वहाँ पर UN के मंच से बुराई हो रही, UN बोल रहा है वो। ठीक है दोस्तों, जुड़ पाएंगे कहानी को हम लोग। ओके, असम में एक नया नियम लाया जा रहा है दोस्तों, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको जनसंख्या के नियम मानने होंगे, दो बच्चे घर में, तीन बच्चे या चार बच्चे हैं, तो अगर आपके ज़्यादा बच्चे घर में हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये नियम कितना होगा, कितनी जनसंख्या पर होगा, असम सरकार कह रही है कि अलग अलग समूहों के अलग होगा, ट्राइबल्स हैं, चाय बगाने कर्मचारी हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो भी आबादी होगी हमारे यहाँ, अलग अलग समूहों की आबादी में अलग नॉर्म्स तैयार होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम सरकारी योजनाओं को लाभ उनको देंगे, और समय के साथ उसको धीरे धीरे करके एक से दो बच्चों पर लेकर आएंगे सभी कम्युनिटीज़ में। अभी स्टार्टिंग में ऐसे चाय बागान हैं, वहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके परिवारों में, ट्राइबल्स हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं परिवारों में, तो उस पर कैप लगा देंगे, लेकिन अभी मान लो चार बच्चे ऊपर हैं तो आपको नहीं मिलेगा सरकारी योजना का फ़ायदा, फिर पाँच साल बाद तीन बच्चे, फिर दो बच्चे, उससे कम, या अल्टीमेटली, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सुन लीजिए, पॉपुलेशन नॉर्म्स तैयार कर रहा है वो गवर्नमेंट स्कीम्स को लागू करने के लिए। क्या मतलब है सर, ऋण माफ़ी कर रही है सरकार आपका, सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप, आपके घर बच्चे ज़्यादा हैं आपके यहाँ पर तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि कितना यहाँ पर हो इसका तय करने का क्या करेंगे हम लोग, हायर साइट पर,
यानी अभी जो ज़्यादा असम की आबादी है उसके हिसाब से देखा जाएगा, कोई महिला 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं घर में तो उसके आधार पर, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार इसको ग्रेजुअली भी ब्रॉड डाउन, फिर धीरे धीरे इसको कम करते 2 पे लाएंगे, जो कि अच्छा प्रयास है, हमको मान सकते हैं एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि अगर आप आज ही कह देंगे 2 बच्चे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आबादी बाहर हो जाएगी सरकारी योजनाओं के, तो आप प्रमोट करेंगे अलग डिफरेंट ग्रुप्स में कि वो अपनी आबादी को कम करें, अपने घर परिवार बच्चों की संख्या को कम करें यहाँ पर, ठीक है सर। हालांकि ये गार्डनर कम्युनिटी पर, शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब्स पर अभी तुरंत लागू नहीं होगी, लेकिन बाद में जाके इन पर भी लागू हो सकती है। आगे बढ़ें सर, ये क्या हो रहा है दस? ये तस्वीर है द हिंदू में राजस्थान की दोस्तों, राजस्थान में ये आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पेड़ लगा रही हैं, पेड़ लगा रही हैं महिलाएं यहाँ पर सर। ये प्रोजेक्ट है ग्रीन मेंबर ऑफ द फैमिली, उसका नाम है दोस्तों हरित मरुभूमि प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों, इनिशिएटिव है हरित मरुभूमि, मरुभूमि और डेजर्ट की बात हो रही है, तो ग्रीन डेजर्ट लैंड ड्राइव चल रहा है सर, इनिशिएटिव है यहाँ पर ये। तो विश्व दिवस था कुछ दिनों, आपको बताया था मैंने आपको कब, जब पीएम साहब की स्पीच सुनाई थी बताया था मैंने, पीएम साहब ने क्या कहा यूएनसीसीडी के मंच पर जाकर कि हम लोग हमारा लक्ष्य प्राप्त करेंगे, याद होगा लास्ट क्लास में बात की थी 18 तारीख को मैंने आप किसके बारे में, यूएनसीसीडी की बात मैंने की थी उस दिन आपके साथ, पीएम साहब ने वर्चुअली यूएन में अपना स्पीच दिया था, तो उसी स्पीच को देखते हुए दोस्तों उस दिन था आपका कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन डे, और वहाँ पर राजस्थान में हरित मरुभूमि, राजस्थान की रेत में वहाँ के बंजर इलाकों में पैदा किए जाएँ पेड़, उनका सावधान को बचाया जाए और एक परिवार से जोड़ा जाए पेड़ों को, यहाँ पर ग्रीन फैमिली नर्चर ग्रीन फैमिली की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर राजस्थान महिलाएं आगे आई हैं और अपने परिवार का मेंबर बनेंगी उसको और उसको बढ़ावा देंगी दोस्तों यहाँ पर ये। तो यहाँ पर 100 महिलाएँ हम बात करें, हर एक ब्लॉक में 100 महिलाएँ, 33 ग्राम पंचायतों की बात करें सर, तो बड़े स्केल पर पेड़ यहाँ वृक्षारोपण किया गया हरित मरुभूमि अभियान के तहत। तो याद वन लाइन याद रखिएगा, हरित मरुभूमि इनिशिएटिव किस राज्य में है, राजस्थान में दोस्तों, याद आएगा दोस्तों यहाँ पर। अच्छा एक नाम याद रखिएगा, काम आ सकता है आपके लिए, श्याम सुंदर ज्ञानी साहब, श्याम सुंदर ज्ञानी साहब की बात करें, श्याम सुंदर ज्ञानी साहब बता दूं मैं आपको, इनको इस बार अवार्ड मिला है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है दोस्तों, 2 दिन पहले ही यूएन ने दिया है अवार्ड, ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ठीक है दोस्तों, मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा श्याम सुंदर ज्ञानी साहब को, इनको दिया गया है लाइफ लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, यूएन ने दिया है दोस्तों, किस लिए दिया गया है बताया मैंने आपको, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए, ठीक है दोस्तों, काम आएगा जोड़ लीजिएगा। प्रोफेसर हैं बीकानेर कॉलेज में, ये डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रोफेसर हैं मिस्टर ज्ञानी, तो उनको ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर उनको दिया गया है पुरस्कार दोस्तों। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर, दोस्तों एनजीटी ने कावेरी नदी पर बन रहे मेकादेतु डैम, फिर सुन लीजिए, एनजीटी ने कावेरी नदी पर बन रहे, कर्नाटक में कावेरी नदी पर बन रहे मेकादेतु डैम पर सुनवाई को बंद कर दिया है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कहा है वो डैम तभी बनाएगी जब ये जो क्लियरेंस है उसको कहाँ से मिलेगी यहाँ पर, जब जो स्टैचुरी अथॉरिटी है कावेरी बोर्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, कावेरी बोर्ड प्रबंधन प्राधिकरण जो है, वो परमिशन देगा तभी बनाएगा वो यहाँ पर, वो देगा एनवायरमेंट क्लियरेंस तभी बनाएगा उसको, नहीं तो नहीं बनाएगा। तो इसके बाद एनजीटी ने इसके मामले को बस सुनवाई बंद कर दी है। आपके काम का मेकादेतु परियोजना चर्चा में क्यों है, कावेरी नदी पर कर्नाटक जिले में, क्योंकि इसकी विरोध कौन कर रहा है, तमिलनाडु, कारण तमिलनाडु में पानी कम हो रहा है वो मान रहे हैं, जिस कारण इसका विरोध हो रहा है। अब यहाँ पर इसको दे दिया किसने, इसको कर्नाटक सरकार ने हैंडओवर कर दिया है कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड अथॉरिटी जो है, जो इस प्रबंधन देखती है इस नदी का प्राधिकरण, उसको दे दिया है, वो परमिशन देगा तब बनाएगा कर्नाटक, नहीं तो नहीं बनाएगा इसको वो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक खबर चल रही है कि स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा बढ़ गया है, भारतीयों का पैसा बढ़ गया है, सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी बात हुई है स्विस बैंक से, गलत जानकारी है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बढ़ा भी है तो उतना सही वाला पैसा बढ़ाओ ना, अब आशीर्वाद है थोड़ी ब्लैक मनी होगा, पैसा बढ़ गया तो वाइट मनी बढ़ा हो, पैसा यहाँ से बाहर ले गया आशीर्वाद वहाँ रख दिया बैंक में जाके उसने, अब बिजनेस आशीर्वाद का बाहर तो जाके जमा कर दिया स्विस बैंक में उसने, तो यहाँ सरकार कह रही है कि पहली बात तो देर इज डज नॉट अपीयर टू बी एनी सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर बात कर रहे हैं जो अमाउंट बढ़ा भी है वो हो सकता है कि कई और तरीके से बढ़ा हो, यहाँ पर हो सकता है कई और तरीके मतलब कर सकते हैं लोगों ने डिपॉजिट बढ़ाए हो सर यहाँ पर, तो वो ब्लैक मनी ना हो ना, जो नहीं ब्लैक मनी हमेशा वो क्या हो सकता है, चलिए दोस्त सुन लीजिए। तो यहाँ पर सरकार जो डेटा आया उन्होंने कहा कि हो सकता है ब्लैक मनी ना हो,
तो मनी दैट इंडियंस एनआरआईज और जो रखते हैं वहाँ पर क्यों रखते हैं, उन्हें कहीं निवेश करना है, उसका वो पैसा रखा उन्होंने, टैक्स पे कर दिया भारत में, वहाँ जाके रख दिया पैसा जिससे कहीं और निवेश कर सकें। स्विस बैंक के अकाउंट, स्विस कई बैंक स्विस वाले यहाँ अकाउंट खोल रहे हैं भारत में, अपना बिजनेस खोल रहे हैं यहाँ पर, हम अकाउंट खोल रहे हैं उनके अंदर अपना, तो भाई स्विस बैंक में पहुँचेगा पैसा अल्टीमेटली, तो ब्रांचेस खुल रही हैं इंडिया में उनकी भैया। तो ऐसे में ये कहना कि स्विस बैंक पैसा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2019 में लगभग 6,000 करोड़ रुपये जमा थे स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमारे, अब हो चुके हैं लगभग 20,000 करोड़ रुपये, ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है पैसा सर एक साल के अंदर। तो सरकार कह रही है हाँ हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन ये इलीगल है, ब्लैक मनी, ये किसने कहा आपसे? हो सकता है कि अच्छे लोग पैसे लेके चले गए हों बाहर यहाँ से, हो सकता है कि उनकी ब्रांच यहाँ खुल गई, उन्होंने पैसे जमा किया उसके अंदर, चलिए वॉट एवर ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में जमा है, ये बात सही है, सरकार से मान रही है क्योंकि डेटा छुपा नहीं सकती, सरकार मान रही है बढ़ गया होगा, लेकिन पूरा ब्लैक है, इसके लिए हम बात करेंगे अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सरकार का मानना है कई फैक्टर हो सकते हैं पैसा बढ़ने के, जैसे इंडियन कंपनी जो हैं वो फंड रख रही हूँ स्विट्ज़रलैंड की बैंक में, या बिजनेस ट्रांजेक्शन करती हूँ उससे वो खुद पैसा निकाल कर, तो पूरा ब्लैक है ये कहना मुश्किल है। उसके लिए क्या करने वाले हैं दोस्तों, वो अथॉरिटी से बात करेंगे यहाँ पर, स्विस अथॉरिटी से बात करेंगे यहाँ पर, और फिर आपको बता पाएंगे क्या कारण है यहाँ पर। तो ब्लैक नहीं, चिंता मत करो, ब्लैक नहीं है, इतना ब्लैक भी नहीं है दोस्तों, मतलब ठीक है। वन मोर थिंग दोस्तों, कल सुबह 9 बजे क्लास होगा अपना, कल दिन में 12 बजे क्लास होगा अपना, एक इकोनॉमी का क्लास होगा दिन में 12 बजे कल अपना, आकाश 2.0 में, ठीक है। और अपना जो फिस्कल पॉलिसी का लेक्चर आज जो अधूरा रह गया है मैंने कल पूरा करना है, तो कल मे बी लेट इवनिंग उसको मैं कर सकता हूँ आपके साथ, तैयार रहेगा। तो फिस्कल पॉलिसी उम्मीद करूँ आज वाला लेक्चर देख लिया होगा आपने, ठीक है ना, तो कल आप उस लेक्चर पूरा कर लेंगे मेरे साथ वहाँ पर। कल योग दिवस है, बड़े योग दिवस मनाएंगे कल हम लोग, योग दिवस देखेंगे कल हम लोग बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुलाकात करते हैं कल आपके साथ सुबह 9 बजे, थैंक यू।